प्रभु नित्यानंद प्रिय द्वैत गदाधर शिव सति गौरवात वृंद हरे कृष्ण जय धन प्रभु नित्यानंद प्रिय द्वैत गदाधर शिव सति गौरवात हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Govinda, Govinda Hare, Hare Hare सभी बोलो बच्चों ताली बजा के सभी बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे जय गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे ले आओ यहाँ तक के लिए ला के रख ले टेंशन इधर जब लाइट जाएगी ना
यही है ना, उधर को तो कुछ नहीं कर रहे। देखो यार लाइट में तो प्रॉब्लम आ जाएगा। शुरू करें। क्योंकि इन्वर्टर में भी तो इधर एक कनेक्शन लाके यहाँ छोड़ दो, एक्सटेंशन ला कर। थोड़ा टाइम निकाल के उसको छोड़ दो। ये ना इसके आगे तो बजेगा, ये इसके आगे बजेगा। हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
जाओ बस वहीं वहीं। हरे कृष्णा। आप सभी लोग है ना, थोड़ा और थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, जितना आगे आ सकते हो, जितना आपको स्क्रीन क्लियरली दिखेगा उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पर भी कुछ दिखा देते तो अच्छा रहेगा, बिठ जाएगा कुछ नहीं, बैठ जाएंगे। वीडियो मत बनाओ, कोई उसकी वीडियो बनाओ, बस मेरी वीडियो मत बनाओ। हरे कृष्णा, हरी बोल। आवाज क्लियर आ रही है सबको? किसी को स्क्रीन नहीं दिख रहा हो तो बताओ। प्रभु जी आप इधर आगे की तरफ, इधर इस तरफ आ जाओ, आप इधर आ जाओ। इस तरफ आ जाओ, इधर मैं इसको बिछा दूं। ठीक, इस तरफ बैठ जाओ खसक करके, ताकि वो जो लोग आएंगे ना फिर उस तरफ से बैठ जाएंगे, सभी लोगों जगह मिल जाएंगे। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार सब लोग जोर से बोलिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुदेव परम आराध्यतम त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार विंदों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव बच्चों सभी को मेरा यथायोग दंडवत प्रणाम। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सेमिनार। आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार यहाँ पर आए हैं? जो पहली बार यहाँ पर अटेंड करेंगे, आप सब लोग नोट्स कॉपी पेन लेकर के आए हैं ना? ठीक है, यहाँ पे हम जितनी भी बातें बताएंगे ना ये सब साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, हाँ सारे साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो। मैं बता दूंगा कौन कौन से पॉइंट्स नोट करने के, आप वो सब नोट कर लेना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, वेदास आर रियल और मिथ। आप सभी लोग जानते हो जो भी हमारे जो हिंदू शास्त्र हैं, है ना, गीता है रामायण है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोई बताएगा हाथ खड़ा करके, उसको क्या कहते हैं? कोई नहीं बताएगा, माइथोलॉजी कहते हैं। आप लोग इंटरेक्टिव बनाना, आपको कुछ भी आता हो ना हाथ खड़ा करके बताना, मुझे पता है हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे आपके आंसर। माइथोलॉजी कहते हैं, माइथोलॉजी यानी मिथ, ऐसा कहते हैं ना। तो हमें चेक, हम लोग ने पूरी टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी जो आप देखोगे ना इसमें पूरी टेस्टिंग है।
कि वेदास रियल है या मिथ है, ठीक है? हम लोग फैक्ट्स के बेसिस पे बात करेंगे, जो भी फैक्ट्स हमारे पास में अवेलेबल है। और इस टॉपिक के बाद में हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको किस तरीके से जो है उनको अपना रूटीन बनाना चाहिए, कैसे उनका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए और कैसी उनकी अप्रोच होनी चाहिए जो कि वो रेजोनेटिक लेवल तक अपनी एजुकेशन को गेन कर सके, एकदम परफेक्टली अपनी जो एजुकेशन है उसको वो परसू कर सके, गेन कर सके। तो ये हमारे आज के दो टॉपिक है। तो सबसे पहला टॉपिक आप लोग लिख लीजिए अपनी नोट्स में, वेदास आर रियल और मिथ। लोग स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी फर्स्ट स्लाइड आई है, इसका टॉपिक है हाउ कैन आई एक्वायर नॉलेज अबाउट गॉड, भगवान के विषय में हम नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे गेन कर सकते हैं, बताओ, कोई बताएगा कि हम कैसे गेन कर सकते हैं? कोई भी हाथ खड़ा करके कैसे गेन कर सकते हैं? गुरु के माध्यम से। और बताओ, बताइए, कथा सुन के। और कोई? ठीक है, हम लोग इस दुनिया में जितनी भी नॉलेज गेन करते हैं वो तीन तरीके से गेन करते हैं, या हम उनको तीन तरीके से जब उसको प्रूफ मिल जाता है, जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दिख रहा है सभी को लिखा हुआ? सबको दिख रही है ना स्क्रीन? किसी को दिख, ऐसा तो नहीं नहीं दिख रही हो? सबसे पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण और तीसरा है शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण को। अब इसके अंदर कुछ फॉल्ट्स भी है। सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है जो हम देखेंगे उसी को ही हम मानेंगे। जैसा कि आजकल हम बोलते हैं कहाँ दिखते हैं भगवान, तो नहीं दिखते, नहीं दिखते ना बहुत सारी चीजें, ये तो हम लोग नहीं देखने में आती है। बड़े बड़े असुर कहाँ दिख रहे हैं? जो नहीं दिख रहा उसको हम नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमें दिखता है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो क्या हमें जो दिखता है वो परफेक्ट है या नहीं, इसको हम आज चेक करेंगे। इसलिए सबसे पहला टॉपिक क्या हुआ? प्रत्यक्ष प्रमाण, इज सीइंग बिलीविंग। अब ये जो सामने आप स्क्रीन देख रहे हो इसमें क्या दिख रहा है, कोई बताएगा? कितने लोग यहाँ पे साइंस स्टूडेंट्स हैं? हाँ, अच्छे से हाथ खड़ा करो भाई, अच्छे से। कोई बताएगा क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ, उल्टा क्यों दिख रहा है? मिरर में क्या दिख रहा है? परछाई दिख रही है और उल्टी दिख रही है। और एक और एक और चीज है इस पिक्चर में, वो कौन बताएगा? आप बताओ, खड़े होके बताओ। अब ठीक है, और उसके अंदर जो एक स्ट्रॉ डली हुई है उसका क्या मतलब है? और कोई बताएगा? ये तो आ जाता है 8th-9th क्लास में आ जाता है ये सब। ये रिफ्रैक्शन है, स्ट्रॉ तो डली हुई है सीधी, लेकिन पानी में कैसे दिख रही है वो? टेढ़ी। ऐसे टेढ़ी क्यों दिख रही है? ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है जिसके कारण हमें वो टेढ़ी दिखाई दे रही है। इसका मतलब जो हमें आंख से दिख रहा है वो गड़बड़ भी हो सकता है। ये अपने आप कैसे चल रहा है? अब दूसरा टॉपिक, हमारी जो सेंसेस हैं वो क्या है? इम्परफेक्ट सेंसेस हैं। इसी कारण से हम जो भी इन सेंसेस से हम गेन कर रहे हैं वो जो भी नॉलेज होगी वो एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं होगी, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं हो सकता। जब तक हमारे सेंसेस परफेक्ट नहीं होंगे, जब तक हम उससे जो नॉलेज ले रहे हैं वो भी परफेक्ट कैसे हो सकती है? ये सही है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं उसको? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सेंसेस माने जैसे हमारी आँख है, नाक है, कान है,
इनसे हम कुछ भी देख रहे हैं, है ना, नाक से सूंघ रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, जीभ से चख रहे हैं, ये परफेक्ट नहीं है। अभी हम आगे देखेंगे परफेक्ट कैसे नहीं है। जब ये परफेक्ट नहीं है तो इनसे हम जो भी चीज ले रहे हैं वो परफेक्ट कैसे हो सकती है? फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक हम अपने कानों से नहीं सुनेंगे, जब तक हम मानेंगे नहीं? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप वहां पर है। अभी उसी गैप को हम लोग समझेंगे। इसलिए हमारे सेंसेस जो है वो इम्परफेक्ट है, पहला टॉपिक। दूसरा, टू बी इल्यूजन, हमें कोई भी भ्रमित कर सकता है आसानी से। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? भ्रमित कर सकता है। कैसे कर सकता है? अभी बहुत जल्दी आप देख लोगे कैसे भ्रमित कर लेते हैं। तीसरा है कमिट मिस्टेक्स, हम लोग खुद भी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। देखा ना, जब मैम कॉपी चेक करके भेजती लाल लाल गोले बना करके, हमारी गलती हो, हम चाहते हैं गलती करें लेकिन गलती हो जाती है, हम लोग मिस्टेक्स करते रहते हैं। चौथा क्या है? चीटिंग प्रोपेंसिटी, हमारे अंदर चीटिंग करने की भी प्रोपेंसिटी होती है कि हम कभी जानबूझ करके भी चीटिंग करते हैं, है ना। फेल हो गए हैं, घर पे जाकर बोल देते पास हो गए, बोल देते हैं कि नहीं बोल देते? कितने बच्चे नंबर चेंज कर देते हैं, रिपोर्ट कार्ड में फेल का पास कर देते हैं। तो ये क्या है सब? चीटिंग प्रोपेंसिटी। अब हम पहला टॉपिक इनपरफेक्ट सेंसेस पे चलते हैं, डिफेक्ट्स। ये देखो, हमारी आंख, कान और ये जीभ है और ये छोटा त्वचा। देखो, आंख, आर आईज आर ब्लाइंड आउटसाइड द रेंज ऑफ 400 to 700 मिलीमाइक्रोन। हमारी जो आंख है वो सब कुछ नहीं देख सकती है, एक रेंज है जिसके अंदर ही हम देख सकते हैं। हम रात में भी नहीं देख सकते, देख सकते हैं पूरा घनघोर रात हो, देख सकते जब लाइट चली जाती है तो कुछ नहीं दिखता। इसका मतलब हमारी आंखें परफेक्ट नहीं है। अगर हमारी आंखें परफेक्ट होती तो हम मान लेते कि हाँ, आंख से जो दिख रहा है वो एकदम परफेक्ट सत्य। इसका मतलब हमारी आंख क्या हो गई है? फेल हो गई है, हमारी आंख परफेक्ट नहीं है। इसलिए आंख से जो हमने देखा वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? दूसरा, हमारे कान से जो हम सुनते हैं क्या वो पूरा परफेक्ट होता है? देख लेते हैं। आर ईयर्स आर डेफ आउटसाइड द रेंज ऑफ 20 Hz to 20 kHz। इस रेंज के बाहर, इससे 20 Hz से कम भी हम नहीं सुन सकते और 20 kHz से ऊपर की रेंज की फ्रिक्वेंसी भी हम नहीं सुन सकते। इसलिए जितनी रेडियो वेव्स तो घूम रही है आसपास, हमें सुनाई दे रही है क्या? नहीं सुनाई देती। उसको हम जो ट्रांसमीटर होता है उसे उतार करके रेडियो के माध्यम से सुन लेते हैं। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? लेकिन सारी आवाज तो हमें सुनाई नहीं देती है। कुत्ता लेकिन जो सुन लेता है बहुत दूर का, घोड़ा भी सुन लेता है, हम नहीं सुन पाते। इसका मतलब हमारे कान भी परफेक्ट नहीं है। कई जानवर ऐसे जिनके कान हमसे ज्यादा सुन सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जानवर ऐसे जिनकी आंखें हमसे ज्यादा देख सकती है। जो चील होती है ना, ईगल, कितना ऊपर उड़ती है लेकिन नीचे सब उसको क्लियर दिखता रहता है। कभी देखा शिकार करते हुए? इतनी ऊपर से देखती रहती, कहां से चूहा भाग रहा है, आकर पकड़ के ले जाती। तो चील की आंखें हमसे ज्यादा तेज है, कुत्ते के कान हमसे ज्यादा तेज है। इसका मतलब हमारे कान भी परफेक्ट नहीं है। तीसरा, ऑरेंज आफ्टर शुगर कैसा लगेगा बताओ? अगर हमने मीठा खाने के बाद संतरा खाया कैसा लगेगा, है? और अगर ऑरेंज खाने के बाद हमने लेमन खाया, अगर हम देखो जो चीज हमने पहले खाई है, जैसे आपने पहले क्या खाया, इसमें क्या लिखा, पहले आपने क्या खाया? ऑरेंज खाया? नहीं, पहले आपने शक्कर खाई है, शुगर खाई है। शक्कर खाने से मुंह मीठा हो जाएगा। अगर आप संतरा खाओगे ना, आपको कड़वा कड़वा लगेगा, है ना, खट्टा खट्टा लगेगा। लेकिन अगर आपने पहले नींबू खा लिया और उसके बाद अगर संतरा खाओगे तो संतरा कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा कड़वा आप पहले ही खा चुके हो। इसका मतलब जो हमारी जो जबान है ये रिलेटिव इंफॉर्मेशन दे रही है, एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? जो पहले खट्टा बता रही थी अब उसको मीठा बता रही है। बताती है कि नहीं बताती है? कभी आप लोग चाय वाय पीते होंगे, कुछ मिठाई खा लो तो फीका लगता है, फीका लगता है ना? क्यों लगता है? हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि चाय जो है वो फीकी है, चाय में तो मीठा है। तो इससे क्या हो गया, पता चल गया हमारी जो जबान भी है वो परफेक्ट नहीं है। और चौथा ये है हमारी स्किन। हमारी स्किन, वाटर टच्ड विद वार्म हैंड अपीयर कूल एंड टच विद कोल्ड हैंड्स अपीयर वार्म। जब हमारे हाथ बहुत ठंडे होंगे
है ना, आप बाहर से आए हो, नॉर्मल पानी को भी टच करोगे तो वो क्या लगेगा, गर्म लगेगा। और जब हाथ तुम्हारे गर्म, हाथ थोड़ा सेक करके उसी पानी में डालोगे तो क्या लगेगा, ठंडा, जबकि पानी वही का वही है। कंडीशन चेंज होने पर इंफॉर्मेशन भी चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये जो सेंसेस से हम जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ये सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, इस पर हम पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर सकते। एक बार क्या हुआ, एक लेडी थी, एक महिला थी, वह एक डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास जाकर के बोलती है, डॉक्टर डॉक्टर साहब मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, इतना भयानक दर्द हो रहा है मैं समझा नहीं सकती, जहां भी छूती हूं ना दर्द होता है। डॉक्टर बोलता है, कहाँ दर्द हो रहा है, छू करके बताओ। बोला, पूरे शरीर में हो रहा है। बोला, जब बोला हाथ को छूओ ऐसे छूती, बोला अरे बापरे, इधर छूती, बोला अरे बापरे, बोला सिर पे छुओ, इधर बोला अरे बापरे, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोलता, बोला ये कौन सी बीमारी आ गई है, सब कुछ ही दुख रहा है उसका। फिर बाद में जब डॉक्टर ने पूरा पता किया ना तो पता चला उसकी उंगली में चोट लगी हुई थी। अब जहाँ छूती है वो उंगली में दर्द होता है और चिल्लाने लग जाती जोर से, अरे बाप रे, अरे बाप रे। समझ रहे हो, कभी कभी हम भ्रमित रहते हैं कि हमें क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता, इसलिए हमारे सेंसेस क्या है, इम्परफेक्ट सेंसेस है। डिफेक्ट्स हमने देख लिए हैं, टू बी इल्यूजनड हो गया। अभी ये देखो, पहला, हमें आसानी से कोई भ्रमित कर सकता है। अभी इस पिक्चर जो है, सबको दिख रहा है ये पिक्चर, किसी ऐसा तो है जिसको नहीं दिख रहा हो, आपको इसको देखना है 10 सेकंड तक, ठीक है। आपको इस पिक्चर को 10 सेकंड तक देखना है बिना आंख को झपकाए, फिर उसके बाद आपको ये प्लेन दीवार पे देखना है, उस दीवार पे देख सकते हो, ये जो दिखा दीवार दिख रही है ना पर्दा, इस पर्दे पे देखना है, ठीक है। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप पर्दे पे देख, आपको झपकाओ, कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, भूत दिख रहा है, इधर तो, इधर इधर तो भूत दिख रहा है, दिख रहा है ना, डेंजर का साइन बना हुआ है। लेकिन दीवार पे क्या दिखा, किस किस को क्या क्या दिखा बताओ, कुछ भी नहीं दिखा, दिख रही है ना, तुम लोगों ने ध्यान से नहीं देखा, क्या दिखा बेटा आप, सर्कल, तू बॉल दिख रहा ना, अच्छा, एक बार फिर से ट्राई करो, बिल्कुल कंसंट्रेशन से देखना, ठीक है, केवल इसी को ही देखना है, जो बीच में जो चार डॉट है ना, इस पिक्चर के बीच में 1, 2, 3, 4 डॉट है, दिख रहे हैं, उसको देखना है 10 सेकंड तक। अब दीवार की तरफ देखो, आंखों को झपकना, कुछ दिखा, अब क्या दिखा, फोटो दिखी, किसी का एक पिक्चर इमेज दिखी, वो जीसस क्राइस्ट की पिक्चर दिखे, किस किस को जीसस क्राइस्ट दिखे, और बाकी लोग भ्रमित हो गए। तो जो हमने टॉपिक लिखा था, टू बी इल्यूजन, हमें आसानी से कोई भी भ्रमित कर सकता है। तो मैंने आपको भ्रमित किया कि नहीं किया, कर दिया ना 2 मिनट में, या फिर हम ऑलरेडी भ्रमित थे, इस पिक्चर के पीछे एक और पिक्चर छुपी है लेकिन हमें वो नहीं दिख रही है। तो हो सकता है इस दुनिया में जो हम देख रहे हो उसके पीछे बहुत कुछ छुपा हो, हमें नहीं दिख रहा। कितने लोग इस बात को मान रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसी बहुत सी चीज हो सकती है जो हमें आंखों से नहीं दिख रही है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बताओ ये क्या दिख रहा है, जल्दी जल्दी बताओ, कौन बताएगा, हाँ ट्राइंगल, मेरे को तो 3 स्माइलीज दिख रहे हैं, अब ये तो हमारा नजरिया है, किसी को ये ट्राइंगल दिखेगा, किसी को 3 स्माइली दिखेंगे, दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। अब ये पिक्चर है, अब बताओ इसमें ये बूढ़ा बूढ़ी क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, कितने लोग हैं इसके अंदर, कौन बताएगा, हाथ खड़ा करके बताओ, हाँ आप बताओ है? खड़े होके बताओ, कौन कौन दिख रहा है, सब बताओ, हाँ बोलो कौन कौन है, हाँ एक आदमी गिटार बजा रहा है,
हाँ एक उसके ईयर में है कोई झांक रहा है बाहर हाँ और दो ये है बूढ़ा बूढ़ी वेरी गुड इनके प्रभु जी के लिए ताली बजाओ इन्होंने ये भ्रमित नहीं हुए लेकिन हम जब एक झलक देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा ये बूढ़ा बूढ़ी दिखेंगे है ना दिख रहे ना लेकिन हम भ्रमित भी हो सकते हैं अगर कोई आए इस रूम से अगर उस सीढ़ी से उतरे और इस फोटो को देख करके गेट से चला जाए वो क्या बोलेगा टीवी में क्या थे दो बूढ़ा बूढ़ी थे लेकिन बूढ़ा बूढ़ी के अंदर और भी तीन लोग थे ठीक है बच्चों शांति बनाओ चुप बिल्कुल साइलेंस अभी ये पिक्चर है कोई कुछ नहीं बोलेगा जिसको जो समझ में आ रहा है हाथ खड़ा करके बोलो क्या दिख रहा है हाथ खड़ा करके बोलो बच्चों बोलो बूढ़े नहीं किसको कुछ भी नहीं दिख रहा हाँ बोलो क्या दिख रहा है लड़की है वो ऐसे करके देख रही है एक लड़की है जो ऐसे करके देख रही है चाइनीज लड़की है चाइनीज कार्टून जैसी किसी को कुछ और कुछ अच्छा कौवा भी है हाँ कौवा और क्या है ये ध्यान से देखो ये किसी को भी सच अभी तक और किसी को कुछ दिख रहा हो तो बताओ नदी भी गलत है और बताओ बर्फ का पहाड़ भी गलत है और बताओ समुद्र में तूफान कुछ भी ये आप ध्यान से देखोगे तो हाँ शेर का मुंह शेर ऐसे खा रहा है बाबा रे आप लोग तो कुछ ज्यादा ही भ्रमित हो गए सर इतना तो इसमें था भी नहीं आप लोग ध्यान से देखो ये मदर टेरेसा है कितने लोगों को मदर टेरेसा दिख रही है मदर टेरेसा जानते भी हो कि नहीं तो दिख रही कितने लोगों को दिख रही है मदर टेरेसा एक बूढ़ी औरत उसकी नाक है बड़ी सी ऐसे हाथ है अभी भी नहीं दिखा देखो ये इसकी नाक है ये इसका मुंह है ये इसकी थोड़ी है और ये इसका हाथ है ये इसके बाल है ये इसकी आंख अब कितने लोग को दिख गए मदर टेरेसा सब भ्रमित हो गए लगा ना ये कितने लोग थोड़ा आंखें इधर उधर करो ये हिल तो नहीं रहा है ये हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है नहीं मेरे को तो नहीं दिख रहा हिलता हुआ कितने लोग बोल रहे हैं नहीं हिल रहा है और कितने लोग बोल रहे हैं हिल रहा है वो नहीं हिल रहा है वो स्टेबल पिक्चर है लेकिन उसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो चलता हुआ नजर आता है इसका मतलब जो चलता हुआ नजर आ रहा है हो सकता है कि वो स्टेबल भी हो हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं एक और ये देखो ये क्या लग रहा है आंखें झपकाओ इधर उधर देखो घूम रहा है लेकिन अगर आंखों को हिलाओगे नहीं स्टेबल रखोगे तो ये सीधा ही रहेगा है ना इसका मतलब जैसी आंखें बंद करोगे ना ये घूमना चालू कर देंगे है ना आश्चर्य लेकिन ये 2D पिक्चर है ये स्टेबल है फिर भी हिलता हुआ नजर आ रहा है एक और ये जो बीच में जो सेंटर है ना उसको देखना है अभी तो ये स्टेबल नजर आएगा घूम रहा है क्या अभी नहीं घूम रहा है लेकिन वो जो बीच में एक डॉट है उसके ऊपर फोकस करो 10 सेकेंड और फिर आंखों को चेहरे को आगे पीछे करना करो कितने लोगों को घूमता हुआ नजर आया जिनके लिए घुमाना वो सही है क्योंकि ये घूमेगा ये दूसरा एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल में लिखा है कि बताओ ये जो तीनों आर्मी मैन खड़े हैं ये एक ही लेवल पे खड़े हैं या अलग अलग लेवल पे खड़े हैं अलग अलग लेवल पे खड़े हैं ना
कितने लोग यहाँ पे ड्राइंग करना जानते हैं, ड्राइंग सीखी हो? है ये क्या, ये क्या है ये? उसके लाइन जो ऐसे 1/3 खींचते हैं पेपर के अंदर, हाँ, कि वो दिखता ऐसा है कि वो अलग अलग स्टेप्स पे खड़े हैं, लेकिन खड़े हैं एक साथ में, एक छोटा सा बस एंगल पूरा नजरिया बदल देता है। देखो अब सोचो कि ये साधारण जगत के अंदर, साधारण जगत के ये छोटे मोटे कलाकार हमें ऐसा भ्रमित कर देंगे तो हमें तो कोई भी भ्रमित कर सकता है। कोई पावरफुल आदमी हुआ हा? जिसके पास में कुछ पावर्स हुई हा? सुपर नेचुरल पावर्स, वो तो क्या ही कर सकता होगा पता नहीं। इसीलिए हम लोग सोचते हैं ना कि भगवान को हम देखेंगे तो ही मानेंगे, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। हमें तो नहीं दिख रहा जी, बड़ौत में से बोलते हैं ना, नहीं दिख रहा जी, हमें तो नहीं दिख रहा। लेकिन हो सकता है हमें नहीं दिख रहा हो, लेकिन हो, है ना। इसीलिए अब हम आगे और भी जानेंगे कि अभी तक साइंस किन बातों को मानता है और किन बातों पे साइंस अभी तक फेल हो चुका है, कितनी कमियां हैं, कितना उसमें सच्चाई है, अभी हम लोग सब आगे धीरे धीरे जानते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड आ गई है, वाइडली इनकरेक्ट अकाउंट्स इन साइंस। साइंस के अंदर बहुत सारी चीजें थी जो पहले इनकरेक्ट थी। साइंस उनको पहले बोलता था कि ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, लेकिन धीरे 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 वो सब बदल गया। जैसे जैसे साइंस ने पहले क्या बोला था, पहले बोला ब्रेन वॉज थॉट ऑफ एज एन ऑर्गन टू कूल द ब्लड, बोला जो दिमाग होता है ना वो खून को ठंडा रखने की एक मशीन है। हंसो मत, मैं नहीं बोल रहा था ये, पहले साइंटिस्ट लोग ही ऐसा मानते थे कि ये जो दिमाग है हमारे शरीर में क्यों है, खून को ठंडा रखने के लिए फ्रिज लगाया है भगवान ने। दूसरा, पिट्यूटरी और मास्टर ग्लैंड वर कंसिडर अ वेस्टेज और यूजलेस टिश्यू इन द बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, किस किस को पता है पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है? हाँ, ब्रेन में कहाँ पर? ये जो हमारी ये जो यहाँ तिलक लगाते हैं ना, इसके ठीक बीच में, इधर और इधर बीच में सेंटर में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। साइंटिस्ट लोग पहले बोलते थे, डॉक्टर्स लोग, कि ये किसी काम का नहीं होता, लेकिन अभी बताया कि इस ग्लैंड में, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे अगर कोई फोकस करे तो जो वो है अपनी सारी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, बहुत इंटेलिजेंस गेन कर सकता है। ये अभी की रिसर्च है, ठीक है। 3 एस्ट्रोनॉमर्स रिसेंटली डिस्कवर्ड अ सिग्निफिकेंस मिस्टेक इन द हबल कॉन्स्टेंट, अ वैल्यू यूज्ड एज अ कॉस्मिक यार्डस्टिक टू मेजर इनॉर्मस डिस्टेंस इन द यूनिवर्स। किसी को पता है कॉस्मोस कॉन्स्टेंट? किसी को कुछ भी आइडिया इसके बारे में? 11th-12th क्लास में कौन कौन है? सब नीचे है? कल ये सब पता करके आना, लिख लो क्या पता करना है, हबल कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, ये पता करके आना, इसी से सब पता चल जाएगा। हबल कांस्टेंट डालोगे ना कल, इंफॉर्मेशन सब लेकर के आना। कौन बताएगा कल आकर के कि हबल कांस्टेंट क्या होता है? बच्चों ये सब जानो, ये बहुत, ये जो साइंस को अच्छे से पढ़ेंगे ना हम, तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलेगी। वरना वो क्या होगा ना, हम यहां के रहेंगे ना वहां के रहेंगे, ना तो हमने भगवान की भक्ति करी, ना वेद पढ़े, ना शास्त्र पढ़े। और जब जड़ विद्या जो हम स्कूल कॉलेज में जाकर के सीख रहे हैं, अगर वो भी हम अच्छे से नहीं सीखेंगे तो फिर हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। अगर इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें कमी पता चल जाएगी, फिर बोलेंगे इसमें इतनी कमी है तो फिर सच्चाई क्या है, फिर इधर आ जाओगे, और इधर पहले आ गए तो इधर तो फिर सच्चाई है ही है। इसलिए ध्यान से पढ़ाई कर रहा, विशेष करके जो ये साइंटिफिक जितने भी टर्म्स है ना जो साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं। फोन स्विच बंद करो। अब ये एक और, ये डार्विन्स की थ्योरी थी हाँ, और ये जो पिल डाउन, ये एक आदमी था जिसने बोला कि बंदरों और आदमी के बीच की कड़ी मिल गई है। आदमी किन से बना है? बंदर से बना है। पहले समुद्र में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, फिर वो डिवाइड हुआ, फिर धीरे धीरे मछली बनी, फिर धीरे धीरे एम्फीबियंस हो गए, कभी पानी में कभी जमीन पे, फिर उनके चार पैर हो गए, फिर धीरे धीरे वो बड़े हुए, फिर खड़े होने लग गए, फिर बंदर बन गया, फिर चिंपैंजी, फिर एप, फिर एंड में क्या बन गया? होमो सेपियंस, है ना, होमो सेपियंस बन गए, और हम आदमी बनकर के आज घूम रहे हैं। हमारे बाप दादा कौन है? बंदर है। स्कूल में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी डार्विन्स की थ्योरी? पढ़ी होगी, वो तो पढ़ाई जाती है ना, तभी तो बच्चे बिगड़ेंगे। वो नहीं पढ़ाएंगे तो पता कैसे चलेगा। अब वो टीचर से पूछो कि भैया मैडम
जब बंदर आदमी बन गया है तो बंदर क्यों है? अब वो कहते एडाप्टेशन, कि भाई किसी इलाके में किसी जरूरत के कारण हाँ शरीर में चेंजेस हो गए, ऐसे तो बताते हैं। तो उसी ही इलाके में बंदर भी है और आदमी भी है, वो सदियों से है। सारी की सारी थ्योरीज फेल्ड। इस आदमी ने क्या करा, उसी थ्योरी के बेसिस पे दिखा दिया कि देखो फॉसिल्स के अंदर, जमीन के अंदर हमें ढांचे मिले हैं, और ढांचे दिखा दिए, दिख रहा है, दिखाते दिखाते बोल दिया कि आदमी बंदर से बन गया। दिख रहा है ये जो पीछे इसने बनाया, जो पीछे स्केलेटन दिखा रहे हैं। लेकिन ये आदमी फ्रॉड निकला। क्या निकला? फ्रॉड। जब पूरी रिसर्च हुई, पता चला, तो इसने ये जो जितनी भी जो जॉस दिखा रहा है, ये सब फाइल्ड है, हाथ से बनाई हुई लेबोरेटरी में। इसलिए ये जो डार्विन की थ्योरी है आज भी थ्योरी ही है, वो लॉ नहीं बना है, वो कोई प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, समझ गए? ये सब थ्योरी है। थ्योरी का मतलब समझते हो? मनगढ़ंत है। अभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पहली बात तो है ही नहीं। जब मैं स्कूल में था, मैडम ने पढ़ाया कि बंदर से आदमी बन गया, बंदर से चिंपैंजी बन गया, चिंपैंजी से एप बन गया, एप से फिर आदमी बन गया। मैंने मैम से पूछा, मैम जब बंदर से आदमी बन गया तो बंदर क्यों है? वो कुछ नहीं बोली। मैं बहुत पहले ही पूछा था 10th क्लास में, उसको नहीं पता था क्यों है। बोला बेटा जैसा लिखा है ना, ऐसा लिखने से मार्क्स मिलेंगे, इधर उधर करोगे तो फेल कर देंगे। हमने बोला चलो ठीक है मैडम, वही लिख देंगे। पहले आए थे या बंदर पहले आए थे? किसने पूछा? मैंने पूछा था। हाँ, ये प्रश्न आप ही कर सकते हो। इतना अद्भुत प्रश्न। लेकिन हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं? हमारे शास्त्र बोल ऐसा नहीं बोलते कि हम बंदर से बने। बंदर अलग बना है, आदमी अलग बना, जितनी भी स्पीशीज हैं सब अलग अलग बनी हुई है, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, अनुमान प्रमाण। पहले हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया। प्रत्यक्ष माने जो देखेंगे उसको ही मानेंगे। उसमें हमने देखा कैसे हमारी इंद्रियां जो है वो हमें भ्रमित भी कर सकती, सेंसेस ना, आंख से हम गलत देख सकते हैं, कान से गलत सुन सकते हैं, हमें कोई भी भ्रमित कर सकता है। ठीक है ना, ये सब हमने देखा। और साइंटिस्ट लोग भी ठीक ठीक नहीं बता सकते, साइंस भी बदलती रहती है, हर 5-10 साल में कुछ ना कुछ बदल जाता है। जब हम लोग छोटे थे ना, जब मैं स्कूल में था, हम लोगों ने 9 प्लैनेट्स पढ़े थे, एक प्लूटो भी था। आप लोग अभी पढ़ रहे हो ना, प्लूटो नहीं है, है कि नहीं है बताओ? जब हम लोग पास आउट कर गए ना, उसके 6-7 साल बाद प्लूटो भी पास आउट हो गया। सोचो, पूरा पता लगा लिया कि एक ग्रह है, प्लूटो है, सबसे छोटा है, इतना दूर है, ऐसे ऐसे घूमता है, उसको लिख लिख करके हम पास हुए और प्लूटो ही फेल हो गया। उसको लिख करके हम पास हुए और प्लूटो ही फेल हो गया। इसका मतलब ये साइंटिस्ट लोग जो हमें बता रहे हैं ना, जिनको पीछे हम भाग रहे हैं कि यही सही बताएंगे, कोरोना हो गया तो अमेरिका ही इलाज करेगा, ऐसा होता है ना, लेकिन हो सकता है कि वो सब गलत हो। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष समझ में आ गया सबको? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो प्लीज। कोई क्वेश्चन है किसी का? अब अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का मतलब है गैस करना, ऐसा होगा। क्या होगा? ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, ऐसे फटा होगा, है बिग बैंग, ऐसे काला एक होल था उसमें फट गया, धीरे धीरे सब निकल गया, ऐसा हुआ होगा। हाँ, तीन तीन आदमी छोड़ के पांचवा चौथा आदमी बोल रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, किसी दूसरे ग्रह से एकदम से कोई स्पेसशिप उतरा होगा, 4 लोग उतार के वो चले गए, ऐसा हुआ होगा। क्या है ये? अनुमान। सब लोग अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं कि ये सृष्टि कैसे बनी, भगवान कौन है, ये क्या है, सब लोग अनुमान लगा रहे हैं। प्रत्यक्ष वाले तो फेल हो गए कि नहीं हो गए? अब अनुमान वालों के ऊपर चलते हैं। कौन कौन आप में से कोई अनुमान तो नहीं लगा रहा है? लगाओ तो बता दो अभी पहले ही। ये देखो, ये आदमी है, ये क्या कर रहा है? इट मे हैव बीन लाइक दिस और परहैप्स इट वॉज लाइक दिस। हो सकता है ये हो, शायद ये हो। इस पिक्चर को कोई समझा सकता है? कोशिश करो, देखो बहुत सिंपल है। हाँ बताओ, खड़े होके बताओ। चेंज हो गई पिक्चर। ओ बताओ, कोई समझा सकता है इस पिक्चर? ध्यान से देखो, 1 मिनट का समय है। जो बताएगा इस पिक्चर को, एक्सप्लेन करेगा, उसको हम फिर गुडीज देंगे। एनालिसिस करो।
आगे जाके कभी एसएसबी इंटरव्यूज वगैरह दोगे ना, वहाँ स्टोरी राइटिंग्स होती है, उसमें बड़ा काम आता है ये सब। बताओ, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो आदमी है ये मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के कुछ बंद बुक रखी है, उनको देख रहा है, समझ में आया? अभी आदमी सोच रहा है कि इस बुक में ऐसा होगा, इस बुक में वैसा होगा, लेकिन क्या ये कभी भी जान पाएगा उस बुक में क्या लिखा है? जब पढ़ेगा जब ही जान सकता है। तो हम लोग भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, है ना, जानना चाहते हैं ना, हम लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी पढ़ा? क्या कभी गीता खोल करके देखी ऐसे करके? कोई भी बुक खोल करके देखी? गीता हिंदू हो तो गीता, नहीं तो कुरान किसी ने खोली हो? बाइबल? कुछ भी नहीं खोला। मैथमेटिक्स की बुक भी खोलेगी नहीं? देखो ये आदमी कभी भी नहीं जान पाएगा, इसलिए अनुमान लगाने से बात नहीं बनेगी। जानना पड़ेगा, बुक को खोल करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, स्टोरी ऑफ सिक्स ब्लाइंड मैन। ये जो छह अंधे थे, है ना, छह अंधे, ये जंगल से जा रहे थे, जाते जाते एक सामने एक हाथी मदमस्त होकर के खड़ा हुआ था और घास खा रहा था, बड़ा शांत हाथी था, हाँ, किसी का कुछ नहीं बोलता था। अब ये सारे के सारे जो छह के छह अंधे थे, इन्होंने जाकर के इस हाथी को छू लिया। अब हर एक अंधा अलग अलग बात को बता रहा है, क्योंकि अंधा है तो दिख नहीं रहा है। अब वो क्या करेगा? अनुमान लगाएगा। क्या लगाएगा? अनुमान। अब एक बात बताओ, इनमें से कौन सा अंधा सही बात बता रहा है? छह अंधे हैं, किसने सही सही अनुमान लगा लिया? आप बताओ खड़े होकर के, किसने सही बता लिया? लास्ट वाला, हाँ, वो टेल पकड़ के सोच ऊपर देख रहा है कि रस्सी है, वो बोल रहा है कि हाथी एक रस्सी है, ऊपर को ऊपर देखो, इन छह अंधों से पूछा जाए कि हाथी क्या होता है, तो जो पहला आदमी है जिसने हाथी की सूंड पकड़ी है वो बोलेगा हाथी एक सांप की तरह है, एक मोटा काला सांप। जिसने दांत पकड़ लिए वो बोलेगा हाथी एक तीर या भाले की तरह है, उससे बोलेगा हाथी क्या है? बोला भाला। ऊपर एक आदमी बैठा, उसने हाथी के कान पकड़ लिए, हाथी के कान ना बड़े सख्त होते हैं, देखे किसी ने? बहुत बहुत पेने कान होते हैं। उससे पूछोगे तो वो बोलेगा वो डराता है, हाथी क्या है? डराता है। और जो जिसने हाथी का पेट पकड़ा है वो बोला हाथी एक दीवार है, उसको हिला भी नहीं सकते। और जिसने पैर पकड़ लिया बोलेगा हाथी एक पेड़ का तना है। जिसने पूंछ पकड़ ली वो बोलेगा हाथी एक सांप है, नहीं सांप है, रस्सी। चलो मैं भी भ्रमित हो गया, ठीक है। इसका मतलब छहों का अनुमान गलत है, इसलिए अनुमान से बात नहीं बनेगी। अब ये अनुमान ही था, दिख रहा है, रिकॉर्ड्स ऑफ रॉक, इन लोगों ने जो अनुमान लगाया कि आदमी, मैंने अनुमान प्रमाण क्यों बताया, ये अनुमान प्रमाण इसलिए बताया कि आदमी बंदर से बना है। ये थ्योरी एक्चुअली क्या है, ये हमारे शास्त्रों को फेल करने के लिए थ्योरी लाई गई है, क्योंकि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, किस प्रकार भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने फिर आगे सृष्टि की रचना करी है और हर एक स्पीशीज को अलग अलग बनाया है, लेकिन ये कह रहे खुद ही खुद बना, खुद ही खुद बन गया। अब इनसे पूछो अब क्यों नहीं बन रहा, अभी भी तो बनना चाहिए। क्या तुमने देखा किसी भी देश में, किसी भी दुनिया में कोई मछली एकदम से पानी और उसमें आने लग गई हो, पानी में रहने वाली मछली, हाँ, जैसे मान लो डॉल्फिन मछली है, किसी भी कारण से वो धीरे धीरे जमीन पर चलने लग गई, फिर धीरे धीरे शेर बन गई, फिर धीरे धीरे उड़ गई, सुना कभी, फिर बंदर बन गई। अभी क्यों नहीं हो रहा ये सब, हम तो पिछले कितने सालों से देख ही रहे, आदमी लिख रहा है, बोल रहा है, सब रिकॉर्ड में है ना, 5-5, 6-6 हजार साल पुरानी किताबें भी है, वहां कहीं लिखा कि एक शेर जो है वो मगरमच्छ बन गया? कुछ नहीं हो रहा ऐसा। इसीलिए जो ये क्या था जो इन्होंने बोला साइंटिस्टों ने कि बंदर से आदमी बना, ये एक अनुमान था। क्या था? एक अनुमान। और जब रॉक एज निकाली, इतने इतने मिलियंस में जब नीचे जमीनों से खुदाई कर रही, कहीं भी कुछ नहीं निकला, कोई लिंक नहीं मिली है कि आदमी जो है वो बंदर से आया है, बल्कि जो बोल रहा है उसके पिताजी बंदर से आए हैं।
अब ये जो तीसरा हमने क्या सुना था, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण माने शब्द जो हमारे कानों में जा रहा है, किसी ऑथेंटिक सोर्स से जो हमारे कानों में शब्द गया वो क्या है, एक प्रमाण। इसलिए जो शब्द प्रमाण है ना, इसको हम मोस्ट ऑथेंटिक प्रूफ मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि शब्द कभी हेरफेर नहीं करते। करते हैं हेरफेर शब्द। देखो मैं अगर आपको कहूं कि पीछे पीछे जगन्नाथ जी हैं, मुड़ करके देखो, तो आप लोग मुड़ करके देखोगे तो जगन्नाथ जी दिखेंगे आपको, दिखेंगे ना। मैं आपकी रेंज में ही बोल रहा हूं, रेंज के बाहर की कोई बात होगी तो गड़बड़ हो सकती है, मैं आपकी रेंज में कह रहा हूं। इसलिए जो शब्दों के द्वारा, जो शब्द ब्रह्म के द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रही है, जिनमें इतने सालों में कोई भी विकृति नहीं आई है, उसी प्रमाण को हम सर्वश्रेष्ठ प्रमाण मानेंगे। आगे देखते हैं, और वो क्या है, स्क्रिप्चर्स आर द वर्ड्स ऑफ गॉड। ये जो जितने शास्त्र हैं, गीता, भागवत, रामायण, ये किसके शब्द हैं? भगवान के ही शब्द हैं। इसलिए जो ये जो शब्द हैं, ये क्या है, मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स है टू गेन द नॉलेज अबाउट गॉड। अगर भगवान के बारे में हमें जानना है तो सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट नॉलेज हमें कहां से मिल सकता है, फ्रॉम आर स्क्रिप्चर्स। ठीक है, स्क्रिप्चर्स तो और भी बहुत सारे, ईसाई बोलेंगे भाई हमारा भी तो है, हैं बाइबल हमने भी तो बनाई है, जिसमें 25 बार हमने चेंज करा है, हैं मुसलमान भी बोलेंगे कि भाई हमारी भी कुरान है जिसमें हमने 4-5 बार अमेंडमेंट कर दिया है। पहले बोला था नहीं नहीं जो अल्लाह थे वो गधी पे बैठ करके गए थे जन्नत में, बोला नहीं नहीं वो पूरी गधी नहीं थी, उसके पर भी थे। हाँ पढ़ना कुरान, उसके अंदर एक से एक कहानियां झूठी झूठी, ठीक है। स्क्रिप्चर्स आर द वर्ड्स ऑफ गॉड, साउंड वेव का यहाँ पे एग्जाम्पल है। वॉट इज द प्रूफ ऑफ वैलिडिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स? अब हम लोग ये जो ये भी एक क्वेश्चन है भाई, क्या प्रूफ है? अगर आपसे कोई पूछे ये सब क्वेश्चन हमने आपको क्यों समझा, ये जो सारी बातें हम आपको क्यों बता रहे, कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई क्या प्रूफ है आपके पास में, है प्रूफ है कुछ, तो क्या बोलोगे आप लोग? नहीं है, ऐसा बोलना पड़ेगा ना, नहीं है। लेकिन हम आपको कुछ आंसर आज बता देंगे, जिसको सुन करके, जिनको आप नोट कर लेना, जिसको जान करके आप उनको बोल सकते हो कि नहीं भाई हमारी बात बिल्कुल सत्य है, जो हम बोल रहे हैं वो सच है। बल्कि उल्टा उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए आप लोगों को, आप लोगों को इतना नॉलेज गेन करना चाहिए, इतनी चीजें सीख लेनी चाहिए साइंटिफिकली और पूरे फैक्ट्स के साथ में, कि आपसे कोई पूछे ए भैया ऐसा क्यों हुआ था, तो आप जवाब दे पाओ ना, है ना। पता चले गए और जाकर के और कुछ नहीं पता है, आगे वापस। इसलिए सबसे पहले हमारे बताइए, ये एक मैनुअल है, हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स क्या है, एक मैनुअल। मैनुअल क्या होता है, जब हम वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदते हैं, उसके साथ में एक यूजर मैनुअल आता है ना, उसमें लिखा होता है कि ये वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर इतने बटन्स हैं, इस बटन से टाइमर होगा, पीछे से पानी ऐसे निकलेगा, प्लग ऐसे लगाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है ना। और किसी ने जो पानी निकलने वाला जो है वो नल में घुसा दिया, है ना, और नल में जाने वाला नाली में घुसा दिया, तो क्या कभी उसकी मशीन चलेगी, है ना, उसकी मशीन सीधा मैकेनिक के पास चली जाएगी। इसलिए हमारे जो शास्त्र है ना, ये एक यूजर मैनुअल है, ये ब्रह्मा जी के माध्यम से हम सबको ये वेद, है ना, जिनको वेद व्यास जी ने आगे विस्तार किया, ये वेद क्या है, ये सृष्टि जो भगवान ने बनाई है ये कैसे चलेगी, समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं? तो जैसा उसमें लिखा है अगर हम वैसे चलाएंगे तब तो ठीक ठाक चलेगा, है ना, अगर उसमें हम गड़बड़ करेंगे तो कोरोना आ जाएगा। आया था कि नहीं आया था? हम केकड़े खाते हैं, है ना, चाइना वाले, हम देखो हम कुछ कान खजूरा खा गए तेल में फ्राई करके, हम ये खा गए, हम बिच्छू खा गए, सब कुछ खा गए, आदमी भी खा गए। और एक वहाँ पे डॉग फेस्टिवल होता है पता है आपको चाइना के अंदर, उस दिन वो क्या करते हैं, पूरे शहर में जितने भी कुत्ते सड़क पे होते हैं ना, सबको गर्म गर्म पानी में उबाल देते हैं, पूरा नहीं उसको गर्म पानी में उबालते, तेल में तो फ्राई हो जाए, कुत्ता फ्राई हो जाएगा, गर्म पानी, फिर को खाल निकाल करके उसको खा जाते। अरे छी जी क्या कर रहे हो, ये बड़ौद में भी बहुत मैंने देखा, उधर पीछे मटन चिकन बिकता है, कोई खाता तो नहीं है, खाना मत, खतरनाक चीज है। हमारे शास्त्रों में लिखा है जीवो जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है, ये बात सत्य है, एक जीव दूसरे जीव को
खाएगा, लेकिन उसमें पूरा विस्तृत वर्णन है कि कौन सा जीव कौन से जीव को खाएगा। जानवर कभी अपना रूल नहीं तोड़ते, तोड़ते है क्या है? कहीं गाय को देखा कहीं जाके मर्डर करके किसी को खा रही हो? नहीं खाती ना। जानवर अपना रूल नहीं तोड़ते, हाथी जो खाता वही खाता है, शेर जो खाता वही खाता है, गाय जो खाती वही खाता है। एक आदमी ऐसा जानवर है सबको खा जाता है, किसी को नहीं छोड़ता, उसके हाथ लग जाए सबको खा जाए। फ्रांस के अंदर आपको पता है फीटस क्या होता है? जो जो बच्चा गर्भ में मर जाता है वो बच्चे सर्व होते हैं थाली में, खाते हैं लोग उसको। मैं आपको पिक्चर भी दिखा सकता हूँ लेकिन आप लोग डर जाओगे देख करके। हाँ, और जब आजकल हम लोग जिम वगैरह जाते हैं ना, उसके अंदर सबसे पहले क्या बोलते हैं, अंडे खा लो, हैं अंडे खाओ, ये खाओ वो खाओ, बहुत खतरनाक चीज है। और फिर वो जो लोग बोलते हैं ना अंडे खाओ, मीट खाओ, चिकन खाओ, डॉक्टर के पास जाओगे ना, बोले कि डॉक्टर साहब ये बच्चा है ना कमजोर हो रहा है, बोला एक काम करो उसको दो अंडे सुबह रहे, दो अंडे शाम को, दिन में चिकन रात में मटन इसको खिलाओ। पता नहीं डॉक्टरों को सिखा करके बिठाया वहां पे अंग्रेजों ने, क्या सब डॉक्टर ऐसे बोल देते हैं। फिर बोलता बोले डॉक्टर साहब बच्चा बीमार हो गया, अंडा मत देना, चिकन मत देना, मीट मत देना, है ये मत देना, उसको तीन दिन तक ठीक हो जाएगा। पता है कि नहीं होता ऐसा? वही डॉक्टर क्या बोल रहा था, वही डॉक्टर डॉक्टर भ्रमित कर रहे हैं। एक्सियोमेटिक ट्रूथ, इसका क्या मतलब होता है आगे देखते हैं। माने इसका अर्थ यह है कि जो शास्त्र के अंदर जो बात लिखी है ना, वो पहले भी सत्य थी, अभी भी सत्य है और आगे भी सत्य ही रहने वाली है। जिसमें सबसे पहला जो उदाहरण है वो गोबर है, काव डंग। पता है ये क्या है, होता है काव डंग, है ना? हमारे शास्त्रों में तो बहुत इसकी महिमा है, गाय की हर एक वस्तु को पवित्र माना गया है। उसमें जो गोबर है उसके से उसको सुखा करके जो बनता है उसको पहले लोग रसोई में यूज करते थे, करते थे कि नहीं करते थे? आपको पता है जो ये जो काउडंग केक होता है, ये जो जो उपला होता है ना, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हो? गोसा, ठीक। उपला और गोसा, ठीक ठीक है। जो उपले होते हैं ना, सुनो ध्यान से बच्चों, ये जो उपले होते हैं ना, अगर ये गाय का, अगर देसी गाय का शुद्ध, अगर इसको ले करके उसको जला करके अगर उस पर ही उसी गाय का घी डाला जाए ना अगर, तो ऑक्सीजन बनती है। क्या बनती है? कमाल की बात है कि नहीं है? ये जो गाय का घी है ये ऑक्सीजन बनाने वाला है। और क्या है, और एक और बात सुनो, ये जो गाय का गोबर है ना, पहले के लोग इसको घर में ऐसे ऐसे करके पूरा लीपते थे, उससे क्या होता था पता है? इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन भी नहीं होता है। आपको पता है यहां तक कि जो एटम बम भी अगर फूटता है, अगर फ्यूजन रिएक्शन भी जो होती है वो इस काउडंग पे काम नहीं करती है। समझते हो फ्यूजन रिएक्शन और फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन फ्यूजन एटम बॉम्ब्स बनते हैं ना, एक फ्यूजन बॉम्ब होता है, एक फ्यूजन बॉम्ब होता है। एक में आकर के एनर्जी इकट्ठा होकर के वो ब्लास्ट होती है, एक में क्या एनर्जी फैल करके ब्लास्ट होता है। जो जो अमेरिका ने जो जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया था ना, वो फ्यूजन बॉम्ब था, जो दो दिन गिराया था एक दिन छोड़ के, है ना? तो ये जो 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 एटॉमिक रिएक्शन है ना, वो भी जो घर इनसे बने होते हैं जहां पर ये काउडंग होता है वहां पर असर नहीं करता है। तो ये क्या अभी पता चला लोगों को? क्या भारत में पहले पता चला लोगों को कि अरे इसमें तो इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं होता, चलो पोत लेते घर में? हमारे भारत वाले तो कब से इन चीजों को यूज कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसकी महिमा पहले से ही लिखी हुई है। इसीलिए जो ट्रूथ, जो पहले ट्रूथ था तो आज भी ट्रूथ ही है। साइंटिस्ट लोग बल्कि रिसर्च करके उस पर आश्चर्य हो जाता है उनको कि ये गौमूत्र में ऐसा क्या है भाई, इतनी बीमारी ठीक हो कैसे रही है? और गाय के अंदर, गाय एक अकेला ऐसा जो यहाँ पर ऐसा जीव है जिसमें सूर्य नाड़ी होती है, जिसकी पीठ में सूर्य नाड़ी होती है, इसलिए गाय को धूप में छोड़ना पड़ता है। देखा ना, गाय को छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं? ताकि गाय चरने जाए, घूमने जाए, जो सूर्य की किरण उसकी है ना पीठ पे, एक सूर्य नाड़ी होती है उस पर पड़ती है, उससे डायरेक्ट वो सन की एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकती है। उसके दूध में पीलापन होता है, देखा है कभी? गाय के दूध में पीलापन होता है, डायरेक्ट सन की एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकती है। भैंस के दूध में नहीं होता है, वो पूरा सफेद होता है, और जर्सी गाय का दूध भी सफेद ही होता है। इसलिए भैंस का दूध पियोगे तो भैंस बन जाओगे, गाय का दूध पीना चाहिए। गाय के दूध में प्रोटीन ज्यादा होता है, फैट कम होता है, इसलिए गाय का दूध हम लोगों के लिए हेल्दी है। तो ये काउडंग के माध्यम से,
हाँ हाँ जा गया होता है। और एक और बात सुन लो, आपने चिकन पॉक्स का नाम सुना है? अच्छी बात याद आ गई, चिकन पॉक्स का नाम सुना है? चिकन पॉक्स जैसे अभी कोरोना चल रहा है ना, ऐसे बहुत साल पहले एक बीमारी चली थी जिसका क्या नाम था, चिकन पॉक्स, जिसको हम बोलते हैं कि आ गई माता, आ गई चेचक, ऐसा कुछ ना, ये आ गया। ये चिकन पॉक्स इतनी बड़ी बीमारी हो गई थी एक समय पर, महामारी जैसे ये है ना कोरोना, ऐसी महामारी थी, इससे बहुत लोग मर रहे थे, कोई इलाज इसका समझ में नहीं आ रहा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका टीका बनाया था, है ना, जो कोरोना का बन रहा है ना अभी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आपने ये सब पढ़ा होगा या पढ़ लेना जा करके, या अभी फोन है तो निकाल लो, किसने इन्वेंट किया था चिकन पॉक्स का जो वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसने क्या करा, देखा कि ये बीमारी तो सब जगह फैल गई है ना, यूरोप में खास करके सब जगह फैल गई, लेकिन जहां पर गाय है ना, जहां गाय है, गांव वाले लोग हैं, जहां लोग गायों के बीच में रहते, वहां ये बीमारी नहीं फैल रही है। तब उसने क्या करा, जो गाय के जो जो घाव जो गाय के ऊपर है ना, ऐसे ऐसे करके पोर्स होते हैं, गाय के पोर्स से लेकर के उस बीमारी का उसने इलाज निकाला है। समझ रहे हो गाय की कैसी महिमा है? अभी भी जब कोरोना के अंदर जो गौमूत्र पी रहे हैं, जिनके घर में एक अंडा जला जलता है चूल्हा ना, चूल्हे में उपला जलाते कर, तो घर में कोरोना नहीं होगा? इतनी आश्चर्य की बात है। पहले के जो ऋषि मुनि हवन आदि करते थे ना, स्वाहा स्वाहा घी डाल रहे हैं ना, ये सब डाल रहे हैं, गोबर से लीप करके वो वेदी बना रहे हैं, उसमें अग्नि जल रही है, उसमें घी जल रहा है, ये सारे के सारे बैठ करके जो हवन करते थे, हवन का फल तो अपना है ही है, साथ ही साथ में वो पूरे जो नेचर होता है ना, प्रकृति को भी फायदा करते, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन बनती है ना, इसलिए पहले के सारे ऋषि मुनि सब बड़े बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, सब लोग रिसर्च करते थे, इसलिए उनका नाम क्या है, ऋषि मुनि। अभी हमें एक और स्लाइड दिखाऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन सी रिसर्च करी और वो साइंटिस्ट दिखते कैसे थे, जो इंडियन साइंटिस्ट थे। अब ये देखो एक्सियोमेटिक ट्रुथ है ना, अब इस एक और प्रूफ है उसके अंदर, हमारे वेदों के अंदर जो जहां पर पूरा जो जियोग्राफी होती है ना, जियोग्राफी, उस सब्जेक्ट का नाम क्या है, क्या नाम है, भूगोल, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफी बोलते हैं। क्या जियोग्राफी से समझ में आ रहा है धरती कैसी होती है? नहीं। आपको पता है धरती गोल है ये किसने इन्वेंट किया था? जो बताएगा उसको प्राइज मिलेगा, बताओ। हैं? क्रिस्टोफर कोलंबस? नहीं, क्रिस्टोफर कोलंबस ने नहीं, और बताओ। लेकिन वो ये, वो इतना भी आपका आंसर गलत नहीं है, पर वो ये जानता था कि धरती गोल है, चपटी नहीं है, तभी तो वो चला ना जहाज लेकर के। और बताओ, वास्को डी गामा ने, ठीक है, धरती गोल है बताया। और भी एक कैपलर्स था, न्यूटन, सब लोगों ने ये बात को बताया कि धरती क्या, ये अंग्रेजों ने बहुत बाद में रिसर्च पूरा देख पड़ताल करके जो बताया धरती क्या है, गोल है। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा धरती कैसी है, चपटी है। उस समय जो फ्रांस स्पेन में जो जितने भी प्रीस्ट थे ना, उनका क्या मानना है, धरती क्या है, चकोर, चपटी। अगर हम लोग ये समुद्र में जाएंगे तो वहां से जहां समुद्र खत्म होगा वहां से सीधा हम नरक में गिर जाएंगे, ऐसा उन लोगों का मानना था। ये मेरी बात मत मानो, क्रिस्टोफर कोलंबस की तुम खुद की जो उसकी जो उसने जो अपनी जीवनी लिखी है उसकी बायोग्राफी पढ़ना, उसमें उसने पूरा लिखा है कि कैसे मैंने सबका विरोध करके गया हूं। और जब क्रिस्टोफर कोलंबस जब पानी के जहाज में जा रहा है ना, उसको पता है कि जहाज ये समुद्र कहां खत्म होगा, कुछ पता नहीं है उसको, तो वो गवर्नमेंट बोल रही है कि क्यों मरने जा रहे हो भैया, वो बोल रहे हैं मरने नहीं जा रहा हूं, मेरे को पता है धरती गोल है। कोई मानने को तैयार नहीं यूरोप में, जिनके पीछे आज हम भाग रहे हैं ना, कोई मानने को तैयार नहीं था। फिर उसको पता है जहाज में ले जाने के लिए कौन लोग भेजे, जिन लोगों को डेथ सेंटेंस था, उसने गवर्नमेंट से बोला ना कि अगर मान लो, उसने स्पेन की रानी से बोला, अगर मान लो मैं सक्सेसफुल हो गया और मैं इंडीज पहुंच गया और वहां जाकर के मुझे बहुत सोना मिल गया तो आप तो मालामाल हो जाओगे। तो रानी के मन में लालच आ गया, बोला हाँ यार कभी गोल नहीं हुई तो ये तो सोना ले आएगा हमारे देश के लिए। तो रानी ने क्या बोला, चलो मैं तुम्हें कुछ आदमी दे देते हैं। आदमी कौन दिए, वो ऐसे जो जेल के अंदर लोग बंद थे ना, जिनको बहुत जल्दी फांसी हो जाएगी, जिनको मार देंगे, वो लोग भेजे, क्योंकि इनको तो ऑलरेडी मरना ही है, तो जाकर के वहां मरो समुद्र में, बच गए तो सोना मिल जाएगा। इसलिए रानी ने क्या करा, उनको भेज दिया। ये इनको, अंग्रेजों को बहुत समय तक नहीं पता था धरती गोल है,
आप लोग इस बात को है ना बहुत लाइटली ले रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज हमारे हाथ में फोन है, हम दो मिनट में ऐसे ऐसे कर लेते हैं, बहुत सी चीजें मेल इधर कर दिया, उधर व्हाट्सएप, उधर कॉल कर दिया, दस लोग बैठ के बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इस बात पे गौर नहीं फरमा पा रहे। लेकिन आप गौर करके देखो कि जिन अंग्रेजों को हम फॉलो करते हैं, अमेरिका के पीछे हम भाग रहे हैं, है ना, हम वैसा बनना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में फैसिलिटीज है उनको अवेल करना चाहते हैं, लेकिन ये तो देखो कि भाई वो लोगों के अंदर वो योग्यता नहीं थी और ना अभी भी है। अमेरिका के अंदर यूरोपियन कंट्रीज है ना जितने, फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह, उनमें जितनी भी रिसर्च होती है सबसे ज्यादा साइंटिस्ट जो है वो चाइना, इंडिया, जापान और देखोगे तो आयरिश और स्कॉटिश, ये लोग करते हैं। वो लोग कोई इन्वेंशन नहीं करते, उनकी क्या औकात करेंगे इन्वेंशन, कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, सब इधर उधर के लोगों से लाके इन्वेंशन करा लेते हैं, फिर अपने नाम पर पेटेंट करा लेते हैं चीजों को, कॉपीराइट ले लेते हैं। अभी शब्द को देखो, भूगोल संस्कृत शब्द है ना, भू है ना, धरती के पर्यायवाची, भू धरती वसुंधरा है ना, उसमें एक है भू, भू माने भूमि और क्या है, क्या नाम से समझ में नहीं आ रहा, धरती कैसी है, जब वरा भगवान आप देखो हिंदू टेम्पल देखो है, जाकर दक्षिण भारत में जाओ, जाकर देखो 5-5, 6-6 हजार साल पुराने मूर्तियां रखी हुई है, और वो जो उनकी एज है वो मैंने नहीं लिखी है, वो साइंटिस्ट लोगों ने जो रॉक की एज निकालते हैं ना, है ना, उसके कोल रेटिंग को क्या बोलते हैं, कार्बन रेटिंग, कार्बन रेटिंग से एज निकलती है, कार्बन रेटिंग से एज निकली हुई 5,000 साल पुराने, 6,000 साल पुरानी मूर्ति, इतने हजार साल। इंदौर के अंदर एक मूर्ति रखी हुई, मैं म्यूजियम में गया था, इंदौर के अंदर एक मूर्ति रखी हुई है जो लगभग 3,500 या 3,600 साल पुरानी वो मूर्ति है। उस मूर्ति के अंदर भगवान के दशावतार है, दशावतार, उसके अंदर जो एक अवतार भगवान का कौन सा अवतार था, शुक्र अवतार, सुना है आपने नाम, वरा अवतार का नाम सुना है, भगवान के 10 अवतार में एक वरा अवतार है, जिसमें एक जंगली सुअर जैसे भगवान के दांत है और धरती को निकाल रहे हैं, देखा है ना सब लोगों ने, वो जो भगवान का अवतार है उसमें जो दांतों के ऊपर धरती रखी थी वो कैसी रखी हुई थी, कैसी थी, गोल थी ना, चपटी तो नहीं थी। ईसाई धर्म 1400 साल पहले आया है, मुसलमान धर्म 1400 साल पहले आया है, ईसाई धर्म 2000 साल पहले आया है ना, ये इनके आने के बाद में ईसाई धर्म चालू हुआ और ये प्रॉफेट मोहम्मद के आने के बाद में ये इस्लाम चालू हुआ, उसके पहले यहूदीज थे, बस यहूदीज से पहले ये जीसस क्राइस्ट को पहले उन्होंने अपना पैगंबर मान करके ये धर्म चला, ईसा मसीह वाला, फिर उसके बाद में ये नए पैगंबर आ गए मोहम्मद साहब, उसके बाद ये इस्लाम धर्म चला। जब ये धर्म बने भी नहीं थे, जब भारत के अंदर लोगों को पता था कि धरती कैसी है, धरती गोल है, और देखो प्लांट्स हैव लाइफ, ये बात तो इनको 1900 तक नहीं पता थी कि पेड़ों के अंदर भी क्या है। हम लोग, हमारे देखो भारत के अंदर जो माता जी लोग घर में काम करती है ना, वो भी बड़ी बड़ी साइंटिस्ट है। हम जब छोटे थे तो हम जब कभी शाम को फूल पत्ती तोड़ देते तो घर में मम्मी सब बोलती थी, बेटा मत तोड़ो ये पेड़ सो रहे, आपने कभी सुना ये सब बोलते हैं ना बच्चों। ऐसी एक साइंटिस्ट, उनका नाम था जगदीश चंद्र बोस, वो गए अमेरिका पढ़ाई करने, जब अमेरिका पढ़ाई करने गए तो उन्होंने पढ़ा वहां पर जाकर के कि पेड़ों के अंदर जीवन नहीं होता, इसलिए ही शीट नेम के आगे वो लोग क्या लगाते हैं, वो लोग उसको नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं। हाँ, नॉन लिविंग क्या है, ये पेड़ क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ग्रामर के अंदर भी ऐसी वो लोग यूज करते हैं। अभी नॉन लिविंग थिंग जब उन्होंने सुना तो बोला, मेरी माँ तो कहती थी कि बच्चों पेड़ पत्ते मत तोड़ो, इसके अंदर क्या है, जान है। वो वापस आए, उन्होंने पूछा, माँ तुम कहती थी ये पेड़ों के अंदर जान होती है, लेकिन मैंने अमेरिका में जाके पढ़ाई करी, उसमें तो लिखा है जान नहीं होती है। माँ बोली, बेटा हमारे शास्त्रों में तो ऐसा ही लिखा है ना, मेरे जो पहले के लोग थे उन्होंने मुझे ऐसा ही बताया था, अब इसके आगे तो मैं कुछ नहीं जानती, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि हमारे शास्त्र में जो बात लिखी है वो सत्य बात है। वो जो जगदीश चंद्र बोस थे, उन्होंने इस बात को लाइटली नहीं लिया, सीरियसली लिया, वापस गए, रिसर्च किया, वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, इंस्ट्रूमेंट्स बना करके उन्होंने सारी दुनिया को दिखा दिया कि ये पेड़ों के अंदर क्या होती है, जान होती है। उन्होंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जो ऐसे ऐसे करके हिलते थे, समझ रहे हो, उसके अंदर क्या होता है, अभी भी आप देख सकते हो। जगदीश चंद्र बोस ने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे ना, मैंने तो खुद गूगल पे पूरा सर्च किया, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बनाए, एक पेड़ के सामने दूसरे पेड़ को काटा,
समझ रहे हो? एक पेड़ था, उसके सामने दूसरे पेड़ को काटा, और जिस व्यक्ति ने काटा वो आरी लेकर के जब दूसरे पेड़ की तरफ जा रहा है तो उसमें इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, वो पेड़ डर रहा है। क्या हो रहा है? उसका ऐसे 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 हिल रहा है पेड़। आश्चर्य लग रहा है? जब उसने जगदीश चंद्र बोस जी ने जब पूरा जब एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया, इंस्ट्रूमेंट भी बना दिया, वो बोलेंगे ना प्रूफ क्या है, उसने प्रूफ भी दे दिया। जब देख करके बोला भैया ये तो कमाल है, हम तो अब तक क्या सोचते थे पेड़ क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन ये भारत के एक साइंटिस्ट ने सारी दुनिया को क्या बता दिया, पेड़ के अंदर भी जान होती है। इसीलिए ये जो हमारे घर के अंदर जो माता जी लोग छोटी छोटी बातें बताती ना, बेटा ऐसे करो मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, हो सकता है उनको रीजन ना पता हो लेकिन उनके पीछे गहरे साइंस छुपा हुआ है। इसलिए हमारी जो संस्कृति बहुत महान है। आगे ये देखो एक और, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, पेट के अंदर बच्चा कैसा होता है, क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जो लोग बायो पढ़ते हो ना, कौन कितने लोग बायो से हैं इसमें, कोई बायोलॉजी पढ़ रहे हो, टेंथ तक तो सभी लोग पढ़ते हैं। बायोलॉजी के अंदर एक पूरा टॉपिक है, उसके अंदर पूरे पिक्चर्स वगैरह होते हैं, बच्चा ऐसे रिप्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद पहले दिन ऐसा होता है, पांचवें दिन ऐसा, 20 दिन ऐसा, 1 महीना, 2 महीना है, समझे? उसके अंदर जैसा जैसा लिखा हुआ है, अभी जो साइंटिस्ट लोग पिक्चर्स देख देख करके बता रहे हो कि पहले तो ऐसी कोई कैमरा नहीं होता था, है ना, तो ये जो सोनोग्राफी वगैरह होती है जो आजकल पेट के अंदर देख लेते, पहले होता था ये सब? पहले ये सब नहीं होता था, अल्ट्रासोनिक रेज वगैरह कहाँ होती थी पहले, है ना? लेकिन जो अभी के जो डॉक्टर्स हैं वो पिक्चर्स देख करके बताते हैं, है ना, कि पहले दिन ऐसा होता है, फिर ऐसा, फिर मेंढक के जैसा होता है, टैटपोल जैसा, फिर ऐसे 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 करते करते फिर 9 महीने में पूरा बेबी रेडी होता है, फिर वो बाहर आता है। लेकिन ये तो अभी की बात है, 60-70 साल मैक्सिमम जब डॉक्टर्स ये बात को बता रहे हैं। लेकिन आप भागवत पढ़ो, गुरुदेव भागवत करते ना यहाँ पे, आप भागवत पढ़ो, उसमें तृतीय स्कंद के अंदर स्पष्ट रूप में जो कपिल मुनि जो है अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं, उसमें स्पष्ट बताया कि पहले दिन कैसा होता है, दूसरे दिन कैसा होता है। अगर आप उसको पढ़ो और यहाँ पिक्चर को मैच कर लो, मेरी बात मत मानो, जाओ जाके देखो खुद ही, भागवत का 3rd कैंटो निकालो, उसके अंदर ये जो पूरा सृष्टि का जो कैसे जीव पैदा होता है, बढ़ता है, उसका पूरा वहां पे वर्णन है ना। उसके अंदर क्लियरली ये जो ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी है ना, जो हम डॉक्टर पढ़ा रहे हैं, जो अभी पढ़ा रहे 50 साल पहले से, ये भागवत तो कम से कम 5-5.5 हजार साल पहले लिखा गया ग्रंथ है, समझ रहे हो? ये सब बताने का कारण क्या है, कौन बताएगा? मैं अब तक क्या बता रहा था, किसी को कुछ याद है? अब बताओ मैं ये क्यों समझा रहा था? बच्चों सुनो, चुपचाप बैठो, साइलेंस। बोलो बोलो, कौन बताएगा? हाँ आप बताओ, खड़े होकर के बताओ क्लियरली। हाँ इसके बाद प्रोडक्शन पढ़ेंगे, एक्सियोमैटिक, वेरी गुड, इनके लिए ताली बजाओ, इनको गुडीज भी मिलेगी। देखो ये जो बात आप लोग यहाँ पे सुन रहे हो ना, आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। स्कूल में कभी पढ़ा है आपने ये सब? स्कूल में इतना पढ़ने के बाद में भी आपको इतने साइंटिफिक फैक्ट्स पढ़े? हमने खुद ने नहीं पढ़े। मैं तो पढ़ाई में अच्छा था, सब ध्यान से सुनता था, फिर भी ये सब नहीं पता था, रिलेट कैसे करना है उसको? पढ़ा तो हमने है, लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको रिलेट कैसे करना है, है ना? जब तक हम रिलेट ही नहीं करेंगे तो हमारे किसी काम का ही नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग इतने फॉर्मूलाज पढ़ रहे हो, पढ़ो ना सिम्पसन रूल, ये वो, थीटा गामा अल्फा बीटा, हैं, कितना कुछ पढ़ रहे हो आप लोग, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? सब कचरा भरते जा रहे हो। जब आगे जाके जॉब करोगे, कुछ करोगे, तो 1% भी काम में आने वाला वो नहीं है। लेकिन अगर इसी नॉलेज को जो हम पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर, जो साइंस पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको आज प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें हमारी लाइफ में, रिलेट करके देखें कि कैसे, है ना, तो क्या होगा, हमें इंटरेस्टिंग भी लगेगा, प्लस हम याद भी रख पाएंगे आसानी से। इसलिए अगर कोई इस तरीके से अप्रोच करता है ना, तो ज़्यादा सीखेगा। अभी देखो ये रदरफोर्ड मॉडल एटॉमिक का, एटम्स का, सबसे पहले स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या माना जाता था पहले? स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, कोई बताएगा? परमाणु, हाँ सही है, अणु, एटम। सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता था पहले?
एटम होता था, फिर एटम के स्ट्रक्चर बताया ऐसा होता था, सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया कि भाई वो ऐसा दिखता है, फिर उसके अंदर 19th सेंचुरी के अंदर, फिर 20th सेंचुरी के अंदर रदरफोर्ड ने मॉडल दिया अपना, लेकिन उसके अंदर भी गड़बड़ थी, फिर उसके बाद में ये श्रोडिंगर का आया 1926 में, इसने मैटर इन वेव बताया। इसकी थ्योरी अभी तक तो इसकी बेस्ट है, और अभी तक आप पता एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब भी आ गए, उनकी मूवमेंट्स कैसे होती है ये सब भी आ गए, प्लस रिसेंटली क्या रिसर्च हुई कोई बताएगा? रिसेंटली इसी के अंदर एक रिसर्च हुई है जिसमें हमारे भारत का भी योगदान है, भारत का योगदान है उसके अंदर बहुत बड़ा, कोई बताएगा? न्यूज़ के अंदर बहुत चला था 2013 या 14 के अंदर, उसमें यह रिसर्च हुई थी एक गॉड पार्टिकल भी है। कौन सा पार्टिकल है? भारत में क्या बोलते हैं कण कण में क्या है बोलते हैं ना, कण कण भगवान है, वही बोस के नाम से ही है, हाँ? इसलिए उस पार्टिकल का नाम क्या रखा है? हिग्स बोसोन। क्या नाम रखा है? भारतीय साइंटिस्ट के नाम पे है उसका नाम। हमको प्राउड होना चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च भारत से होकर के आगे जा रही है। अब प्रिडिक्शंस पे हम लोग आगे, प्रिडिक्शंस लिख लो। श्रीमद भागवतम के अंदर बहुत सारी भविष्यवाणी हुई है, बहुत सारे शास्त्र है ना हमारे, भविष्य पुराण है, स्कंद पुराण है, पद्म पुराण है ना, भागवतम है, उनमें बहुत सारी प्रिडिक्शंस है जो सच हुई। जैसे श्रीमद भागवतम के ये जो श्लोक है नव योगेंद्र संवाद में 11:5 और 32 ग्यारहवें स्कंद का ये श्लोक है, इसके अंदर बताया कि कलयुग के अंदर कौन आएंगे? चैतन्य महाप्रभु आएंगे। आप लोगों ने हिस्ट्री में चैतन्य महाप्रभु का नाम पढ़ा है? पढ़ा होगा। महाप्रभु आए कि नहीं आए? आए। और देखो आगे, ये बुद्ध के विषय में, हाँ, लॉर्ड बुद्ध के विषय में भी श्रीमद भागवतम के अंदर अवतारों के अंदर लिखा हुआ है, भगवानों के अवतारों की कथा है ना, उसके अंदर बुद्ध का नाम भी वहां पर है। ये कौन है? ये कौन है कोई बताएगा? नहीं, नाम तो मुझे भी पता है। ये इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, आजकल बहुत लोग इनको फॉलो करते हैं। ये कौन है? अशोका, किंग अशोका, इसके बारे में भी भागवत के अंदर लिखा है। ये कौन है? इनके बारे में भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, हाँ, अथर्वेद में खंड 20 सुक्त 127, ये आप नोट कर सकते हो और उसको गूगल पे सर्च करके निकाल भी सकते हो, ठीक है? उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा भविष्य में, और ये मोहम्मद प्रॉफिट, इनके बारे में भी लिखा हुआ है भविष्य पुराण के अंदर में। माने हमारे शास्त्रों के अंदर इतनी सारी बातें लिखी हुई है जो क्या है? सत्य है, पहले भी सत्य थी, आज भी सत्य है, और आगे भी सत्य ही रहने वाली है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हमारे शास्त्र सत्य नहीं है। हमें जो फेसबुक बताता है, यूट्यूब बताता है, फिल्म स्टार्स जो बोल देते हैं, हम उसको क्या मानते हैं? परफेक्ट ट्रूथ मानते हैं। आपको पता है भारत के अंदर पहले ऐसे हाथ जोड़ करके नमस्कार करने की विधि थी, थी ना ऐसी विधि? इसका नाम सुना है किसी ने? नमस्कार, नमस्कारम, है ना? इसका मतलब ये होता था कि जब दोनों हाथों को प्रेस करते हैं तो हमारे एक्यूप्रेशर होता है, इससे मन जो हमारे एक अंदर नाड़ी होती है वो जागृत होती है, जिससे क्या होता है, एक समर्पण का भाव हृदय के अंदर आता है। एक एक छोटी छोटी चीजें, रात में उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए, हा? हाँ, अभी कोरोना के अंदर सुना है आपने, सारी दुनिया में हाथ मिलाने की पद्धति बंद हो गई थी, सब वो डोनाल्ड ट्रंप वो जो बेवकूफ आदमी वो बोलता नमस्कार, सुना? सारे यूरोप के प्रेसिडेंट सब नमस्ते पे आ गए, सब मोदी 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 हो गई, बोला मोदी पहले नमस्ते ही करता था। ये नमस्कार देखो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ कि हाँ यही सबसे बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट वे टू ग्रीट समवन, हाउ? नमस्ते, फोल्डिंग आवर हैंड्स एंड सेइंग नमस्ते, ये सबसे अच्छा तरीका है। और क्या कोरोना के अंदर पता चला कि ये जो देह का जो संस्कार, अंतिम संस्कार करते हैं ना, उसको करने का बेस्ट तरीका क्या है? क्रिमेशन, दाह संस्कार, उसको जला देना। कोरोना के अंदर ना ईसाई मुसलमान कुछ नहीं देखा, क्या करा? सबको जला दिया। अब उनको हुरे भी नहीं मिलेंगे, हुरे नहीं पता मुसलमानों के अंदर ऐसी थ्योरी होती है कि वो कयामत के समय पे वो जो जमीन में गड़े हुए ना वो खड़े हो जाएंगे मुर्दे, और उस जन्नत में जाएंगे, वहां उनको 72 हुरे मिलेंगी। अब वो जिनको फूंक दिया उनकी तो हुरे गई, इसलिए तो जिहाद करते हैं,
इसीलिए कोरोना के अंदर उनकी सारी कोरोना सबकी हुरे भी खा गया। कोरोना बहुत खतरनाक वायरस आया था, इसीलिए ये जो ये जितनी भी बातें हम लोग ये जो सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं, इसको समझने का इसका ये है कि अगर हम हमारे शास्त्रों को मानेंगे, ये जो मैंने आपको ये जो छोटी छोटी बातें बताई है ना, ये शास्त्र के अंदर की बस छोटी छोटी बातें जिनके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं देता है। शास्त्रों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है कि हमारा जीवन इतना सुखमय हो सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते, इतना आनंदमय हम लोग जीवन जी सकते हैं इस ही प्लेनेट के ऊपर। ऐसा नहीं दूसरे प्लेनेट पे जाना पड़ेगा, इसी प्लेनेट पे हम लोग अगर एक लाइफस्टाइल को फॉलो करें, अगर भगवान की भक्ति को हम अपने जीवन में उतारें, तो हमारी लाइफ इतनी स्मूथ हो सकती है और इतनी परफेक्टली हम दुनिया में भी रह सकते हैं, प्लस मरने के बाद में भी हमारी गति बहुत अच्छी हो सकती है। अभी साइंस तो मरने के बाद की बात ही नहीं करता, जब हम कल आपको बताएंगे तो कल आपको हम ये सभी बताएंगे कि साइंस के ऐसे 14 पॉइंट्स जहां पर साइंस फेल हो गया है, जहां पर साइंस को कुछ आंसर नहीं सूझता, प्लस ऐसे भारत की ऐसी 14 वस्तुएं जो भारत देश के वासी करते थे और साइंस भी आज उसको मानता है, ऑथेंटिकेट करता है, ये सारी बातें हम आपको कल बताएंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी कहानी आप सुन लो। हम लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, सोचते हैं ना, हम सोचते हैं हमसे ज्यादा दुखी कोई है ही नहीं, सब पास हो गए मैं फेल हो गया, उसके 80% आए मेरे 70% आए, हैं उसको 2 मिठाई दी मम्मी ने मुझे 1। छोटी छोटी बातों से लेकर के बड़ी बड़ी बातें हम लोग क्या होते रहते हैं जीवन में, दुखी होते रहते हैं ना हम लोग। लेकिन हमें भाई वास्तव में पता ही नहीं है कि दुख क्या है। अगर हमको यही पता लग गया कि दुख क्या होता है ना, तो हम लोग फिर सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जो किसी की प्रॉब्लम है वो किसी का सॉल्यूशन हो सकता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, एक एग्जांपल से समझो। बहुत गर्मी पड़ना, भयंकर गर्मी पड़ना क्या एक प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है, कितना पसीना आता है, पसीने छूट जाते हैं। कितने लोग बोलते हैं कि हाँ बहुत गर्मी पड़ना एक प्रॉब्लम है, हाथ उठाओ उठाओ। गर्मी में सब लोग परेशान होते हैं ना, कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, हाथ खड़ा करो जल्दी जल्दी, गर्मी प्रॉब्लम है ना। अच्छा ठंड प्रॉब्लम है, कितनी ठंड पड़ती है, हु करके सुबेरे नहाओ, कितने लोग तो नहाते ही नहीं है डर के मारे। प्रॉब्लम है कि नहीं प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, एक हद तक प्रॉब्लम है। बूढ़े लोगों से पूछो, ठंड उनको काल जैसा नजर आता है, सोचती कि ये ठंड शायद मेरे को खाना जाए इस साल, ऐसे डरते हैं बूढ़े लोग ठंड से। मेरी दादी 6-6 स्वेटर पहनती, उसे ऐसे ओढ़ करके बैठती, फिर भी ऐसे ऐसे करती रहती, खुद मैंने घर में देखा, पूरा हर साल सोचती कि इस साल ठंड में बचूंगी कि नहीं बचूंगी, इतना डरते हैं। लेकिन क्या ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? ये रिलेटिव प्रॉब्लम है। कैसे? ठंड लगना आपके लिए, जिनके पास जिनको ठंड लग रही है उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन किसी के लिए सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? अब जो लोग हीटर बेच रहे हैं, जो लोग हीटर बेच रहे हैं, जो लोग तंदूर लगा करके बैठे हैं, तंदूरी रोटी खाएंगे लोग गरम गरम, हैं उनके लिए क्या ही है? उनकी तो रोजी इससे चल रही है, वो लोग इसी से उनका रोजगार चल रहा है। मतलब जो हमारी प्रॉब्लम है वो उनके लिए बहुत गर्मी पड़ना, हमारे लिए तो बहुत जानलेवा हो जाती कभी कभी, गर्मी सांस ही नहीं आता। लेकिन जिनके फ्रिज नहीं बिक रहे, जिनके कूलर नहीं बिक रहे, वो बोलेंगे भगवान अब की बार ऐसी गर्मी मारो ना कि सारे कूलर मेरे फ्रिज साफ हो जाए, दुकान के सब बिक जाए, हैं? फल फसल खड़ी हुई है, हैं? लहलहा रही है, किसान सोच रहा है वाह अब बस 3-4 दिन में फसल कटेगी और बस मैं माला माल हो जाऊंगा। उतने में देख रहा है ओला, बारिश कड़ाके की बारिश होने लग गई, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, किसान सोच रहा भगवान बारिश मत करो, पूरी की पूरी फसल हमारी खराब हो जाएगी, हमें बहुत नुकसान होगा। दूसरी तरफ जो छाते की दुकान खोल के बैठा है ना, वो बोलेगा बोलेगा क्या बढ़िया, बिना मौसम बारिश हो रही है, सारे छाते बिकते चले जा रहे हैं, बस भगवान एक हफ्ता और कर दो तो पूरी दुकान मेरी सारे छाते रेनकोट बिक जाएंगे। समझ रहे हो? तो जो प्रॉब्लम थी ना वो एब्सोल्यूट प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है ना, प्रॉब्लम भी वो परफेक्ट प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम हम उस चीज को मानेंगे, ये गीता के अंदर है, ध्यान से सुनो बच्चों, प्रॉब्लम हम उसको मानेंगे, माता जी इधर सुनो ध्यान से, प्रॉब्लम हम उसको मानेंगे जिसमें 3 कंडीशन फुलफिल होती हो। कितनी कंडीशन? 3। पहली कंडीशन जो सबको आए, लिखो जल्दी जल्दी लिखो,
किसके लिख लिया कंडीशन फॉर प्रॉब्लम है, कितनी कंडीशन से? तीन, जो सबको आए। दूसरा, जिसको कोई नहीं चाहता, जिसको कोई नहीं चाहता। तीसरा, जिससे कोई बच नहीं सकता। लिख लिया? अब मेरे को बताओ, अब कोई, जैसे मैंने आपको गर्मी पड़ना, सर्दी, बारिश, ये सब मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी। अब आप लोग बताओ कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें तीनों कंडीशन फुलफिल होती हो, जल्दी बताओ। हाँ, अभी दीदी कह रही कोरोना, अर्थक्वेक। हाँ, अच्छी बात है। तो अर्थक्वेक आया, देखो इन्होंने बहुत अच्छा बात बताई कि अर्थक्वेक माने भूकंप आ गया। भूकंप आना प्रॉब्लम है कि नहीं है? है नहीं, सबके लिए प्रॉब्लम नहीं है। जब जापान में भूकंप आता है ना, सबसे ज्यादा खुश अमेरिका होता है। बताओ क्यों होता है खुश? वो जैसे भूकंप आता है ना, जापान का शेयर मार्केट गिरता, जैसे वो सारे शेयर खरीदे अमेरिका का शेयर मार्केट ऊपर हो जाता। समझ रहे हो? कोई कुछ लोगों के लिए वो बढ़िया है। अभी मान लो पाकिस्तान भूकंप आके वो लोग खाई में चले जाए, हम लोग कितने खुश होंगे? हम लोग बोले वाह, भूकंप आए तो ऐसा ही आए, पूरा पाकिस्तान निकल गया। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम बताओ। है, है? डेथ, वेरी गुड। माता जी के लिए ताली बजाओ, पर ये माता जी तो पुरानी है। देखो माता जी ने बोला डेथ, डेथ कंडीशन फुलफिल करो। पहली कंडीशन क्या है? सबको आती है डेथ। और दूसरी कंडीशन, कोई डेथ चाहता है, दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। तीसरी, क्या कोई मृत्यु से बच सकता है? इसका मतलब ये एब्सोल्यूट प्रॉब्लम है, लिख लो। पहली प्रॉब्लम क्या है? डेथ। दूसरी बताओ। ए, जो पहले के सुने हुए वो मत बोलो, जो पहली बार आए उनमें से बोलो। आप बताओ कोई प्रॉब्लम। हाँ, एज, ठीक है, कंडीशन फुलफिल करो। क्या बुढ़ापा, बुढ़ापा, चलो बुढ़ापा लेते हैं ना, ओल्ड एज ना। पहली कंडीशन क्या है? नहीं नहीं, कंडीशन क्या? बुढ़ापा सबको आता है। हाँ, दूसरी कंडीशन क्या? कोई बुढ़ापा चाहता है? ब्यूटी पार्लर वाले से पूछो। तीसरा है, क्या कोई बुढ़ापे से बच सकता है? इसका मतलब ये भी एक प्रॉब्लम है। वेरी गुड, प्रभु जी के लिए ताली बजाओ, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया। और बताओ। हाँ हाँ, रोग, वेरी। अब बताओ रोग में कंडीशन फुलफिल हो रही, रोग सबको आते हैं, इससे कोई बच नहीं सकता, इसको कोई चाहता भी नहीं, इसलिए लिख लो डिजीज। तीसरा क्या है? एक हो गया डेथ, एक हो गया ओल्ड एज, और एक हो गया डिजीज। और क्या है बताओ? है भूख, माता जी कह रही भूख, भूख एक प्रॉब्लम है। माता जी लगता भूख बहुत लगती है। देखो अब, हाँ अब देखो, भूख सबको लगती है ना। हाँ, भूख के भजन ना हो गोपाल। हाँ तो सुनो, तो देखो भूख है ना, हंगर, हंगर भी एक प्रॉब्लम है ना। इतनी भूख लग रही है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हाँ, लेकिन जो लोग बाहर पिज्जा है पानी पता से, और जो दुकान लगा करके बैठे वो क्यों लगा करके बैठे? वो तो भूख का इलाज लेके बैठे हैं, बैठे ना इलाज लेकर के। अभी आप लोगों के लिए इतना बढ़िया बढ़िया प्रसाद हमने वहां रखा हुआ है, क्यों बना कर रखा है? ठाकुर जी का इतना बढ़िया बढ़िया प्रसाद है एकादशी का, क्योंकि आपको भूख लगेगी। अगर आपको भूख नहीं लगेगी तो आधे लोग तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, समझ गए? इसलिए भूख एक प्रॉब्लम नहीं है किसी के है। और बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो है जन्म। जन्म भी प्रॉब्लम है। अब ये जन्म कैसे प्रॉब्लम है, आज बताएं या कल बताएं? अच्छा ठीक है, ठीक है। जन्म भी मैं एक मिनट में बता देता हूँ। जन्म भी एक प्रॉब्लम है। जन्म सबका होता है,
क्या हमने चाहा था हमारा जन्म हो? पहली कंडीशन क्या है जो सबको है, जन्म सबका होता है। क्या हम चाहते थे हमारा जन्म हो? और इससे कोई बच भी नहीं सकता, इसलिए जन्म भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे है? जन्म होने में तो सेलिब्रेशन होती है, हैं? गुब्बारे फूटते हैं, फुग्गे फूटते हैं, पार्टी होती होती कि नहीं होती है। जन्म कैसे प्रॉब्लम है? प्रभु जी सुनो, जन्म कैसे प्रॉब्लम है? जन्म इससे प्रॉब्लम है, जब बच्चा गर्भ में होता है ना, आप लोग इमेजिन करो, आंख बंद करो, सब लोग आंख बंद करो, इमेजिन करो, इमेजिन करो, आंख बंद करो सब लोग ध्यान से, और मैं जो बोल रहा हूं उस पर सोचो, आंख बंद करो, सोचो कि मैंने आप सभी को एक फिट के एक बाय एक ऐसा कमरा जो एक फिट चौड़ा, एक फिट लंबा, एक फिट गहरा है, उस कमरे में मैंने आपको बंद कर दिया, उसके अंदर भयंकर अंधेरा कर दिया, उसके अंदर मैंने मल मूत्र और कीड़े, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने डाल दी, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, धीरे से उस डब्बे को उल्टा कर दूंगा, अब आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप कुछ देख नहीं सकते, कुछ सूंघ नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कैसा लग रहा है? आंख खोलो, कैसा लगा है? किस कितने लोगों को मजा आया? हाथ ये अभी अभी निकल के आया ना, इसलिए इनको ये छोटे बच्चे हाथ उठा रहे। इतना खतरनाक है गर्भ, जन्म समझ रहे हो, इतना खतरनाक है। और ये तो कुछ भी नहीं जो आपने इमेजिन किया, और भी खतरनाक है। आप सोचो कि एक छोटा बच्चा पलंग पे लेटा हुआ है, उसको नीचे से खटमल ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, किसी ने भी काट लिया, बोल नहीं सकता और खुजली भी नहीं कर सकता, और रोएगा जोर जोर से, माँ सोचेगी ठंड लग रही, और दो कंबल उड़ा के चली गई। समझ गए? इस प्रकार से जन्म भी एक प्रॉब्लम है। इसलिए प्रॉब्लम क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये प्रॉब्लम किसने बताई? भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता के अंदर बताया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। ये जो प्रॉब्लम है ये एब्सोल्यूट प्रॉब्लम है। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। एकादशी वो कल दिखा देंगे, कल हम आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाएंगे। हमारा एक टॉपिक रह गया, आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा था, लेकिन ये टॉपिक खत्म होते होते आप में से कितने लोग मान रहे हो अभी कि हमारे जो वेद शास्त्र गीता में जो बात है वो साइंटिफिक प्रूफ के साथ में वो बात है? हाथ खड़ा करके बताओ कि हाँ, दम है, दम है कि नहीं है? दम नहीं है, जोरदार दम है। इनके अंदर जो बातें लिखी हुई ना गीता में, जो भगवान बातें बोल रहे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। आप जब कल आओगे ना, कल आपको हम जो बहुत सारे जो लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो पाई की वैल्यू होती है जीरो, ये कैसे वेदों के अंदर लिखा हुआ है, ये सारी की सारी बातें श्लोक के साथ में आपको हम बताएंगे। और प्लस एक टॉपिक और है जिसके अंदर विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, जो आज होना चाहिए था लेकिन हम इसको कल कवर करेंगे। विद्यार्थी को कैसे जीवन को जीना चाहिए, उसको क्या खाना चाहिए, उसको क्या देखना चाहिए, उसका रहन सहन, उसका रूटीन कैसा होना चाहिए, अगर कोई इसको फॉलो करेगा तो एकदम परफेक्टली वो बहुत अच्छी विद्या को गेन कर सकता है, बड़े बड़े गोल जीवन में अचीव कर सकता है। आप लोग बड़े गोल्स अचीव करना चाहते हो ना लाइफ में, आपका जो भी गोल हो, अगर आप उन 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे ना, तो आप इजीली उन गोल्स को अचीव कर सकते हो। आज कौन सी तिथि है? एकादशी तिथि। एकादशी तिथि क्या होता है, कोई कुछ बताएगा? किसी कुछ पता हो, जो नए लोग हैं उनमें से कितने लोग आज पहली बार आए हैं? हाथ खड़ा करो प्लीज, आप बताओ, आप चश्मे के पीछे, आप कोशिश करो कुछ बोलने की। हाँ बोलो, एकादशी क्या होता है? ठीक है, बैठ जाइए। एकादशी, ए इसका नाम क्या है? एकादशी, इस संस्कृत में जो हम गिनती गिनते ना, हाँ, एकम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम है षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी, माने 11। हमारा जो अभी तो कल्चर हमारा धीरे धीरे खराब होते जा रहा है ना, हमारे हिंदू कैलेंडर आप कोई फॉलो नहीं करता है। अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई हमारी ऋतु है और जो भारत के जो मंथ्स हैं, है ना,
जो महीने है कोई बताएगा तो कोई कोई बता सकता है? कोई बच्चों में बता सकता है? कोई कोशिश करो, चैत्र बैसाख ये सब। हाँ बताओ, आप बताओ। हाँ बताओ, वेरी गुड। प्रभु जी के लिए ताली बजाओ, एटलीस्ट वो खड़े हो रहे बोलने के लिए। मेरे से कोई पूछता तो मैं कभी खड़ा नहीं होता। बोलो। वेरी गुड, सही बताया, बहुत अच्छा बताया। सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे लेकिन महीने सब सही बताए। इसीलिए हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए, ये सब हमारे शास्त्रों के अनुसार है। उसी में अभी जो महीना चल रहा है, कौन सा महीना है ये? पौष चल रहा है। राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर पौष बड़ा मिलता है, पौष बड़ा मिलता है इन सीजन में, गोविंद जी के मंदिर के पास में। सीजन के हिसाब से चीजें बनती हैं। तो आज एकादशी तिथि है, एकादशी की बहुत बहुत महिमा है। आपको पता है 3 साल पहले जापान के एक साइंटिस्ट को नोबल पुरस्कार मिला है, सबसे बड़ा जो प्राइज है दुनिया में। कौन सा प्राइज है? नोबल प्राइज। नोबल प्राइज जो होता है वो डिस्टिंग्विश्ड अगर कोई रिसर्च होती है उसी व्यक्ति को ही मिलता है। बहुत बड़ी पैनल बैठती है, उसमें जाकर के जब डिसीजन लेते तब जाके किसी को नोबल पुरस्कार मिलता है। उस जापानीज साइंटिस्ट को किस बात के लिए नोबल पुरस्कार मिला? उसको इस बात के लिए मिला, उसने ये रिसर्च करके बताया कैंसर के ऊपर। उसने ये रिसर्च करी कि अगर कोई व्यक्ति महीने में दो बार ना कुछ खाए ना कुछ पिए, निर्जला रहे, अगर कोई व्यक्ति महीने में दो बार ऐसा करे, अगर नहीं रह सकता तो थोड़ा सा पानी पिए, अगर पानी भी नहीं तो थोड़ा सा कुछ खा ले, लेकिन कोशिश करे कि कुछ ना खाए, तो बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है ना, अब शरीर के अंदर कुछ खाने को है नहीं लेकिन हमारा शरीर तो काम करेगा ना, जो पाचन क्रिया काम। बोले कि जो कैंसर बनाने वाली जो सेल्स है ना, उसी को ही हमारा शरीर डाइजेस्ट कर जाता। इसलिए जो व्यक्ति महीने में अगर रूटीन को फॉलो करे और महीने में दो बार ऐसे निर्जला रहे, बिना खाए रहे, उस व्यक्ति को जिंदगी में कभी भी कैंसर नहीं होता। उसने 20 साल की रिसर्च के बाद में ये दिया था, और उसकी रिसर्च को इतने उसने वैलिड पॉइंट्स दिए, आप लोग खुद पढ़ करके कल आना इसके ऊपर, ठीक है? उसने इतने वैलिड पॉइंट्स दिए हैं जिसको सब देख करके उसको कौन सा प्राइज मिला है? नोबल प्राइज। लेकिन भारत वाले उससे भी बड़े ज्ञानी हैं, उसने तो अभी दिया ये बात को, लेकिन भारत में तो कितने सालों से, हजारों सालों से, लाखों सालों से नंद बाबा यशोदा मैया एकादशी रखते थे कि नहीं रखते थे? भागवत के अंदर वर्णन है, वो लोग एकादशी रखते थे। एकादशी के अंदर लोग क्या करते हैं? कुछ खाते पीते नहीं, जिससे क्या होता है, महीने में एकादशी कितनी बार आती है? दो बार आती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। तो ये क्या हो गया? वो साइंटिस्ट से पहले हमको बात पता था कि नहीं पता थी? इसलिए जो लोग एकादशी रखते हैं है ना, उनका शरीर एकदम स्वस्थ होता है, और क्या होता है, उनको कभी भी कैंसर नहीं होगा। इसलिए आप देखो जो पुराने बूढ़े जो माताजी लोग होते हैं ना, राम जी के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, हनुमान के, सब लोग एकादशी रखते थे ना एकादशी, देखना वो उनको कोई बीमारी नहीं मिलेगी, अपना पूरा जीवन जी करके एंड में बढ़िया मरते थे, समझ रहे हो? लेकिन आजकल कोई एकादशी रखता नहीं। देखो पिछले 50 साल से ये खेल चालू है, जब से अंग्रेज, जब से टीवी आई है, विशेष करके जो टीवी इंटरनेट आया ना, उसके बाद से हम लोग हमारी संस्कृति का पालन नहीं करते हैं। उसका ये जो 50 साल से टीवी आया ना, कोई 50 साल से ज्यादा जी भी नहीं रहा है। 50-60 साल के अंदर सब लोगों का राम नाम सत्य हो जाता है, किसी को कैंसर है, किसी को बीपी है, किसी को ये है, किसी को वो है, किसी को वो है। इतनी बीमारी, इतने भ्रष्ट हो गए भारत में, कोई इतना भ्रष्ट नहीं था, जिसको देखो मौका मिलता है वो खेल कर देता है, दूध वाला दूध में पानी मिला देता है, तेल नकली आ जाता है, वो नकली, पेट्रोल में पानी मिला दिया, इसमें पाल, इतना भ्रष्टाचार भारत के अंदर कैसे हो गया? हमारी पढ़ाई गलत है, हमारे संस्कारी ढंग से नहीं मिल रहा है हम लोगों को, समझ रहे हो? समाज में कैसा वातावरण, कैसा भाईचारा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है, इसी कारण से तो विकृति आ रही है। इसलिए जो एकादशी रखेगा वो कभी भी कैंसर उसको नहीं होगा, प्लस उसका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, कितने भारत के लोग कितने ज्ञानी थे, आपको पता है, धरती, चांद और सूर्य, जो चंद्रमा जो होता है वो, ये जब भी पूर्णिमा आती है और अमावस आती है, नजदीक आ जाते हैं, आते कि नहीं आते आपस में, नजदीक आते, जिससे क्या होता है, चंद्रमा जो होता है ये पानी को क्या करता है, क्यों तुम्हें पढ़ाए कि नहीं ये सब, कि बस मैं ही पढ़ के आया हूं,
सन के अंदर भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो धरती को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन धरती का ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो धरती को तो नहीं खींच पाता, लेकिन वो जो पानी है उसको खींचता है, जो जल तत्व है उसको वो आकर्षण करता है। हमारे शरीर के अंदर 75% क्या है? पानी है। तो हमें भी वो खींचेगा कि नहीं खींचेगा? वो खींचेगा, शरीर के अंदर गड़बड़ होगी। इसीलिए अगर हम एकादशी रखेंगे तो भी, पूर्णिमा अमावस कितने दिन बचे हैं? 4 दिन। एकादशी रखने से, निर्जला एकादशी रखने से, या बिल्कुल कम कोशिश करके रखने से क्या होता है, हमारे शरीर को, हमारा शरीर जो है वो जो उस दिन जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है चांद, उसको सहन करने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर बन जाती है। कितना बड़ा नॉलेज है आप सोच नहीं सकते हो, ये बहुत बड़ी नॉलेज है। कहीं जाकर के अमेरिका में नासा में भी जाकर एडमिशन ले लोगे ना, वहां भी आपको जाकर के मिलेगा नहीं। पहली बात तो वहां कोई लेते नहीं किसी को जल्दी से। इतनी बड़ी बात है एकादशी को यहां रखना। और अब भक्ति की बात करते, भगवान कहते हैं एकादशी के दिन, एकादशी तिथि साधारण नहीं, कृष्ण कहते हैं ये इस दिन, ये जो तिथि है ना, ये तिथि नहीं समझो, इस दिन मैं ही हूं तिथि रूप में मौजूद। हम लोग एकादशी को बैठ करके कथा कीर्तन सब सुन रहे हैं ना, ये तिथि नहीं, ये स्वयं कृष्ण यहाँ बैठ करके हम सबको देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कैसे ये बच्चे छोटे छोटे सब आए हैं, हमारे शास्त्रों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये भारतीय संस्कृति, गीता, वेद, पुराण, इन सबको जान रहे हैं, भगवान ये सब बैठ करके देख रहे हैं। इसलिए जब भी एकादशी तिथि हो ना, ज्यादा से ज्यादा हमें भक्ति करना चाहिए, जैसे मंदिर में जाना, तिलक लगाना, माला करना, भगवान का प्रसाद पाना। इसलिए सेमिनार के बहाने से क्या हुआ, आज हम लोग यहाँ एकादशी पे आए हैं। एकादशी तिथि पे आ गए ना, अभी तो आप सबको यहाँ प्रसाद मिलेगा, सब एकादशी का प्रसाद होगा जिसको हम एकादशी पे खाते हैं। एकादशी के अंदर जितने भी अन्न होता है ना, गेहूं चावल जो है ना, इन सब के अंदर पाप, इस सारी दुनिया का जितना भी पाप है, गो हत्या, ब्रह्म हत्या, समझ रहे हो, जितना बड़ा से बड़ा पाप है, वो आज के दिन अन्न में निवास करता है। किस में निवास करता है? अन्न, हमारे शास्त्रों के अनुसार। इसलिए जो अन्न खाएगा उस व्यक्ति के अंदर वो सारे पाप आएंगे। इसलिए खाने को बहुत कुछ है, फ्रूट्स हैं, दूध है ना, आलू है, इतनी सारी चीजें खाने को। अभी हम आपको देखो प्रसाद मिलेगा, इतनी बढ़िया चीजें मिलेंगी, देखना अभी खाना, आप बहुत कुछ है खाने को। तो क्या हम एक दिन वो सब खा करके नहीं रह सकते? रह सकते हैं। इसलिए सभी को अपने जीवन में कोई ना कोई नियम होना चाहिए। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्मे न हीना पशु भी समाना। अगर हमारे जीवन में कोई नियम धर्म नहीं है ना, तो हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। जानवर क्या है, जब मन करा उड़ गए, खा लिया, सो गए, भोगली हु कर लिया। ऐसे ही हम लोग भी हो जाएंगे, जब मन किया उठे, उठे उठे नहीं उठे, सो रहे, नहाए नहीं। कोई जीवन में व्रत नियम उपवास नहीं, तो हम लोग क्या हो गए, दो पैर पे चलने वाले जानवर हो जाएंगे। इसलिए हमें जानवर नहीं बनना चाहिए। महाभारत का श्लोक है, धर्मे नहीना पशु भी समाना। इसलिए सारे बच्चों, सभी बच्चों को मंदिर में आओ, एकादशी रखो। ऐसा मत सोचो कि हम दुखी हैं, वो सुखी है, ऐसा कभी मत सोचना। देखो मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था। इस चुटकुले के बाद हमारे प्रभु जी कुछ 2 मिनट बोलेंगे, फिर आज का प्रोग्राम हम ये चेंज कर देंगे। एक बार एक आदमी था, बहुत दुखी था, इतना दुखी हो गया ना, उसने सोचा कि मुझे क्या कर लेना चाहिए। अब क्या, जब बच्चे बहुत दुखी होते क्या करते सब लोग, सुसाइड कर लेते। आजकल तो यही इलाज चल रहा है ना, इसलिए 10th का बोर्ड भी बंद हो गया। चालू है क्या फिर से? बंद है, बच्चे सुसाइड कर लेते थे। हाँ, सुसाइड बड़ी खतरनाक चीज है बच्चों, कभी मत सोच ना करने के लिए, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, एक बार वो व्यक्ति इतना परेशान हो गया कि मेरे को इतना दुख है, इतना कष्ट है, मेरे को क्या करना चाहिए, मर जाना चाहिए। वो छत पे चढ़ गया, 15 मंजिल ऊपर छत पे चढ़ गया, और सोचा कि अब मैं नीचे कूद जाता हूँ, कूद करके खेल खत्म। लेकिन उसने एक आश्चर्य चीज देखी, उसने ऊपर से देखा कि नीचे एक आदमी जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, एक भी हाथ नहीं है, और वो आदमी नाच रहा है, ऐसे 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 पूरा हिल रहा है, पूरा नाच रहा है, एकदम मस्ती में झूम रहा है। उसको देख करके जो वो लड़का था ना, वो रुक गया, बोला मेरा कष्ट तो इससे कम है, इस बेचारे के तो दोनों हाथ ही नहीं है, मेरे तो दोनों हाथ है, और ये मेरे से ज्यादा सुखी है, नाच रहा है, पता नहीं इसके पास में क्या मंत्र है, मैं जाके पूछता हूँ, भाई तेरी खुशी का क्या राज है। उसने क्या बोला, सुसाइड कैंसल। उतर करके आया नीचे, आकर के बोला भैया मैं तो आपको देख कर, आपको देखने के बाद में, आपका डांस देखने के बाद में मेरा मन परिवर्तन हो गया, मैं तो सुसाइड कर रहा था और मैंने सुसाइड का प्लान
कैंसिल कर दिया, आप इतने खुश कैसे रहते हो, आपके दोनों हाथ नहीं है, इतना इतना कष्ट है आपको, आप कैसे प्रसन्न रह पाते हो, डांस कर रहे हो सड़क पे, म्यूजिक भी नहीं तो भी नाच रहे हो। वो बोला ए कोई सुखी वुखी नहीं हो, पीठ में खुजली हो रही है, खुजली कुछ खुजाने के लिए नहीं है इसलिए हिल रहा हूं। इसलिए कभी भी बच्चों सुसाइड वुसाइड के बारे में मत सोचना, जीवन में बहुत कुछ जानने के लिए है, भगवान की ओर बढ़ो, गीता की ओर बढ़ो, मंदिर में आना, कल का जो सेमिनार होगा ना उसमें हम आपको बहुत सारी बातें नई नई बताएंगे, बस ये बोल के। इतना बहुत हरे कृष्णा, मैं रखता हूँ। बीटेक और एमबीए गुरुवेगौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वदा मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज व्यासासीन पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज और उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवियों को मैं अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। वैसे तो अचानक ही टपके हैं हम, कोई ऐसा था नहीं कि हमें समय मिलेगा, पर महाराज जी की ही कृपा है कि जो गुरुदेव से महाराज जी से वैष्णवों से जो सीखा है वो अब आपके साथ शेयर करना। नहीं नहीं, इन्होंने देखा कि भाई इन्होंने पहना नहीं, क्या पता गर्मी लग रही हो। देखो जो पहले प्रभु जी गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, हम हार्डवेयर इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। उन्होंने चुटकुले पे खत्म किया, मैं चुटकुले से शुरू कर देता हूँ, ठीक है। एक बार क्या होता है, बड़े बड़े डॉक्टर्स रिसर्चर्स जो मेडिकल लाइन में रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, इकट्ठे होते हैं कि हम कैसे इस दुनिया को रोग मुक्त बनाएंगे, क्या करेंगे, डिजीज फ्री, रोग मुक्त, कोई व्याधि। वो कह रहे थे ना एक प्रॉब्लम है व्याधि, तो उन्होंने पढ़ लिया, कहते हैं व्याधि खत्म करेंगे हम। तो क्या किया, सेमिनार चल रहा है, ठीक है, कोई डिस्कशन। अब देखो क्या वहां पे कैसे कैसे डॉक्टर्स होंगे, कोई लेफ्ट आई स्पेशलिस्ट, कोई राइट आई स्पेशलिस्ट, कोई लेफ्ट ब्रेन स्पेशलिस्ट, कोई राइट ब्रेन स्पेशलिस्ट, कोई लेफ्ट किडनी स्पेशलिस्ट, कोई राइट किडनी स्पेशलिस्ट, कोई ऑर्थोपेडिक, कोई स्किन स्पेशलिस्ट, हार्ट कार्डियो, इसके स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ठीक है। तो बहसबाजी हुई, कोई टॉपिक चल रहे थे, कोई सब अपना अपना ना डंका हाँक रहे थे कि ऐसी थोड़ा सा शीशे से नीचे देखा, बिल्डिंग है में है ऊपर एक जगह, तो नीचे देखा एक व्यक्ति ऐसे ऐसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, पैर रगड़ रगड़ के। तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कह रहा, आई कैन सी ही हैज सम प्रॉब्लम इन हिज टो, यू नो, तभी देखो वो चल नहीं पा रहा, उसकी हड्डी में दिक्कत है। कार्डियो वाला कहता ये तो अपनी दिखा रहा है, क्योंकि यहां पे प्रूव हो जाएगा कि देखो सामने, कहते नहीं नहीं नहीं, इसके ना कार्डियो की वेन है, उसमें से ब्लड पास नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी पैर सुन्न हो गए, ये लटके के चल रहा। स्किन वाला कह रहा नहीं नहीं नहीं, उसकी जांघें छिली हुई है, देखो ढंग से, ठीक है, सब लगे हुए हैं, ठीक है, सब अपना अपना लगे हुए हैं, कोई कुछ। ब्रेन वाला कह रहा है लेफ्ट ब्रेन डेड है, इसलिए वो राइट वाली टांग घिसट रहा है, ठीक है, सब चल रहा है, ठीक है। तो जो जो व्यक्ति चाय दे रहा है ना,
चाय देने वाला, कहते सर मैं एक चीज बोलूं बुरा मत मानना, कहते हाँ 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 कोई बात नहीं हम बुरा नहीं मानते बोलो, कहते उसी से जाके क्यों नहीं पूछ लेते। कहते हाँ भाई बहुत बहुत अच्छी बात बोली, उसी से जाके पूछो। सारे डॉक्टर गए नीचे, ओ बताओ तुम्हारे कार्डियो में, तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम होगी ना, तेरे पैर में प्रॉब्लम है ना, स्किन में प्रॉब्लम, बता बता बता। वो घबरा गया, कहता आप लोग कौन, कहता मैं दुनिया का सबसे बड़ा हार्ट का डॉक्टर, वो मैं दुनिया का सबसे बड़ा हड्डी का डॉक्टर। वो डर गया, कहता तुम मुझे क्यों घेर के खड़े हो, कहता क्यों, कहता मैं तो मोची ढूंढ रहा हूं, मेरी चप्पल टूट गई है। तो क्या हुआ, वो अनुमान प्रमाण पढ़ रहे थे ना, फेल। इतने बड़े बड़े डॉक्टर, वो बेचारा किसको ढूंढ रहा है, मोची को, ठीक है। अब जग गए ना, अब सुनो क्या देने आए हैं, ठीक है। अब सुनिए, आप हो क्या पहले ये बताओ, ओ एमएससी वाले स्टूडेंट्स, बीएससी वाले स्टूडेंट्स, बताओ तुम्हें क्या बताया जा रहा है, तुम कौन हो, डाइसेक्शन करते होगे, डाइसेक्शन वगैरह, कोई बायो वाला डाइसेक्शन करता होगा, फिजिक्स वाले फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, मैथ्स वाले लगे होंगे फॉर्मूलों में, और वो इंटरसेक्शन, वो क्या बोलते हैं, मैं तो खुद भूलता जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ट्रिपल इंटीग्रेशन। हाँ हम इंजीनियरिंग में गए, हमने कहा पहले एक ही एस था, यहाँ तीन तीन लग गए, हे भगवान कैसे पास होंगे, इन सब चीजों में लगे हुए हैं ना। और क्या हमारे अंदर भरा जा रहा है कि तुम कौन हो, तुम हो, तुम हो, तुम क्या बनोगे, तुम आगे चल के ये बनोगे, तुम आगे चल के वो बनोगे, तुम्हें आगे चल के क्या बनना है, साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है। जैसे मेरे जैसा पहले क्या सोचता था, सबसे जो बड़ी चीज है ना वो है ट्रेन, ट्रेन ड्राइवर बनेंगे, ट्रेन ड्राइवर बनेंगे। फिर बाद में देखा ट्रेन ड्राइवर की क्या हालत होती है, फिर एयरफोर्स, फादर आर्मी में थे तो एयरफोर्स वालों से भी दोस्ती हुई, अब प्लेन चलाएंगे। ऐसे ही हमारे अंदर इच्छा आ रही है ना, क्योंकि वास्तविक रूप से मुझे यही नहीं पता चल रहा मैं कौन हूं। कौन हो आप कौन हो, आत्मा दिखाई दे रही है, आत्मा होती ना झाड़ा फूका करके भगा देते, पकड़ो बोतल में डालो समुद्र में फेंको, ये आत्मा घूम रही है। समझना इस चीज को, क्या कभी हमने इतनी पढ़ाई कर ली, कभी एक क्वेश्चन ऐसा आया कि हु आर यू, कभी इस चीज पे देखा, गौर किया, क्या बता रहे हैं, यू आर दिस बॉडी। हाँ इस बॉडी को, बॉडी तो बताया ना, आपके ये सेंसेस हैं, आंखें हैं, ठीक है, सब चीजें बता जा रहे हैं हमारे को। क्या वो पढ़ाई जो मटेरियल साइंस है वो हमें क्या सिखा रही है कि हम क्या हैं, ये शरीर हैं, इस शरीर पे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। जैसे प्रभु जी ने कहा ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं कि इस शरीर को पोतते रहे पोतते रहे पोतते रहे ताकि ये बिल्डिंग नई सी लगे, होता है ना सरकारी बिल्डिंगों में यही होता है, हर बार 5-6 साल के बाद क्या करते हैं, केवल प्लास्टर झाड़ते हैं नया लगा देते हैं, ऐसा लगता है बिल्डिंग बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ क्या हो रहा है, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, ये हेयर स्टाइल क्रीमें ये सब चीजें क्यों पुतवा रहे हैं, ताकि ये बिल्डिंग नई सी लगे। वो देखो ये एक्टर्स हर बार अपनी सर्जरियां कराते हैं, इनके पीछे यहां कट पड़े हुए हैं, टांके लगे हुए हैं, क्या स्किन को खींच खींच के ना, क्योंकि झुर्रियां पड़ रही हैं, पर नहीं झुर्रियां नहीं आनी है। अनिल कपूर को तो अभी भी अपनी बेटी का भी बेटा लगना है। ये एक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये खींच खींच के क्या कर रहे हैं, इसको ये कर रहे हैं, पर ऊपर ना यमराज बड़े चतुर हैं, कहते कर ले तेरे को जो करवाना है इन डॉक्टरों से, क्यों, क्योंकि जैसी तेरी एक्सपायरी डेट आएगी ना खत्म, वो शरीर जिसपे मैंने लाखों करोड़ों खर्च किया है क्या होगा, या तो लकड़ी पे जलेगा, या आजकल तो बटन वाला सिस्टम आ गया है, बटन 30 सेकंड में स्वाहा। सोचो 2 लाख करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं इस शरीर पे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हो पी रहे हो, हाँ, और बच्चों मुफ्त में तो खाना पीना भी नहीं मिलता, स्कूल जाना पड़ेगा सुबह सुबह, पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, इतना सब कुछ हम कर रहे हैं किस चीज के लिए। बस एक बेसिक प्रश्न की तरफ अगर हम ध्यान दे लेना, मैं हूं कौन, मुझे क्या वास्तविक रूप से करना है। अरे आप स्त्री हो, आप फीमेल हो, तो आप फीमेल बॉडी में क्यों आए, हाँ वो मेल बॉडी में, वो मेल बॉडी में क्यों आए,
हाँ मैं अंबानी के घर क्यों नहीं पैदा हुआ, हाँ ये बड़ौत में ही क्यों पैदा हुआ, अमेरिका में हुआ होता, कभी ये बेसिक क्वेश्चंस कभी दिमाग में ऐसा कभी सोचा? भाई मैंने तो सोचा, मैं कहा ये फौजी के घर में पैदा हो गया, खुद 3 बजे उठ जाते हैं, हमें भी 5 बजे उठा देते पढ़ने के लिए, ठीक है हाँ, और पूरा रूल्स रेगुलेशन ये वो। अरे अमीर किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर होता ना पैदा तो क्या होता, नालायक भी होता तो भी क्या होता, कम से कम ऑडी और बीएमडब्ल्यू में तो घूम रहा होता, ठीक है मेहनत तो नहीं करनी पड़ती इतनी। तो इसी बेसिक क्वेश्चन का उत्तर कौन दे रहा है आपको, क्या किसी मैथ्स की बुक में मिला, फिजिक्स की बुक, केमिस्ट्री, एमएससी कर रहे हो, पीएचडी करो, क्या क्या पता नहीं क्या क्या करोगे, कहीं नहीं आएगा। घूम फिर के ये दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कोई रीजन है, कोई रीजन है? चलो आपको आ जाता कि बीमारी का रीजन ये वायरस है, उस पर भी लड़ाई होती रहेगी कई सालों तक, नहीं ये वाले वायरस ने ये वाला काम नहीं किया था, ये शायद ये बैक्टीरिया था, नहीं ये वायरस था। अरे छोड़ो इन सब चक्रों को छोड़ो, अगर हम देखें बेसिक चीजें, क्योंकि जो प्रभु जी बता रहे थे ना, क्यों इन शास्त्रों की जरूरत है। जैसे हम एक मोबाइल लेकर आते हैं, मोबाइल खरीदा है, मोबाइल तो आज सबके सबके पास ही है, उसके साथ एक मैनुअल आती, कभी उठा के पढ़ी है, पढ़ी है कभी? वो ऐसे के ऐसे रख देते हो, मैनुअल का क्या करना है, फेंको उसको, ठीक है। वो तो मैनुअल आजकल फिर भी बहुत कम कर दिए हैं। हम लोग जब जॉब कर रहे थे, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी, एस्कॉट्स नाम सुना होगा, ठीक है ना, उसमें जो ट्रैक्टर बनाती है, काफी कुछ करती है, उसमें एक ना बहुत नई मशीन आई थी, सीएनसी मशीन, सीएनसी मशीन होती है सारा काम, मतलब 50 लोगों का काम अकेली वो मशीन कर रही थी, 50 लोगों का काम वो अकेली मशीन कर रही थी। उस मशीन के साथ मैनुअल आई थी, वो मैनुअल इतनी मोटी मोटी मैनुअल है, और ऐसी 5-7 मैनुअल है, और मेरी ड्यूटी ये लगा दी कि अगले 1 महीने तक मैनुअल पढ़नी है। मैं सोच रहा हूं, मैंने कहा भाई ये क्या लगा दिया, सर्किट डायग्राम भी है? उन्होंने बोला सर्किट डायग्राम वाली मैनुअल ना तुम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले को दे दो, तुम टूल और ये डिजाइनिंग वाली पढ़ो। वो मैनुअल क्यों पढ़ रहे थे, ताकि इस मशीन को समझा जा सके, अरे इसका टूल अटक गया तो क्या प्रॉब्लम है, इसके सर्किट में कोई दिक्कत आ गई तो सर्किट में हम चेक कर लें कि कहां से क्या है। वो मैनुअल किस लिए आ रही है, वो उस मशीन की मैनुअल है, किसने बनाई वो, क्या मेरी कंपनी वाले ने बनाई, कौन देता है वो मैनुअल, जिस कंपनी की मशीन है। तो ऐसे ही ये किसने बनाया, नहीं नहीं वो एस्कॉर्ट्स जो हॉस्पिटल है, वो फोर्टिस वाले हैं, वहीं तो जाते हैं हम जब प्रॉब्लम होती है, क्यों, क्योंकि उन्होंने तो बनाया था, उन्होंने बनाया ये शरीर, वो बना देंगे, ऑपरेशन कर देंगे, कुछ टाका वाका लगा के, जैसे होता है ना मोबाइल वाले, अरे कुछ टाका वाका लगा के चला दे यार, नया नहीं खरीदना, वैसे ही वो टाका वाका लगा के बस इस शरीर को इस हालत में कर रहे हैं कि चलो थोड़ी देर और जी ले। पर क्या वो ऐसा नया शरीर पहले जैसा कर सकते हैं, नहीं। तो ये शरीर किसने बनाया है, ये शरीर बनवाने वाला जो है उसी ने इस शरीर के साथ कुछ मैनुअल दे दी कि भाई इसमें जब प्रॉब्लम आएगी ना, जब इसमें कुछ परेशानी आएगी ना, तो इस मैनुअल को रेफर करना। तो ये जो मैनुअल है ना, इसको हम क्या नाम देते हैं, शास्त्र, वेद, पुराण, ये है वो मैनुअल। अब इन मैनुअल में देखो कितनी अच्छी बात आराम से बता देते हैं कि भाई तुम्हारा जो जन्म ऐसे कुल में हुआ या इस जन्म में हुआ, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ क्या थे, कर्म ऐसे थे, उन कर्मों का फल भोग रहे हो। एप्पल कंपनी का नाम सुना है, सबको ही पता है भाई, ठीक है ना, कईयों के तो हृदय में होगा वो एप्पल i12 लेंगे, है ना, i12 लेंगे। एप्पल कंपनी के मालिक का नाम क्या है बच्चे, तुम बताओ, आप पीछे से बताओ कोई, एप्पल कंपनी किसने बनाई, कौन उसका मालिक था, स्टीव जॉब्स, क्या था, देखो प्रभु जी को पता है, स्टीव जॉब्स। उस व्यक्ति हार्वर्ड के एक कन्वोकेशन, हार्वर्ड का एक फंक्शन था जिसमें कि हार्वर्ड क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा MBA बिजनेस स्टडीज का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज है, वो पूरी दुनिया का है। वहां से अगर हम में से कोई एक चला गया ना, तो यहाँ इंडिया की कंपनी पैकेज ऐसे फेंक फेंक के मारेंगे कि ले तू 10 करोड़ ले, तू 12 करोड़ ले, तू हमारी कंपनी में आ जा, ऐसी समझ लो ऐसा कॉलेज है वो। वहां के वो फंक्शन में है जहां पे अब डिग्री बांटी जाएगी, वहां से बच्चे आज डिग्री पूरी करके बाहर निकलेंगे, और वहां पे वो चीफ गेस्ट है, और वहां पे वो स्पीच दे रहा है, क्या है,
स्पीच दे रहा है। सोचो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक जो स्पीच देगा, आने वाले जो बिजनेस संभालने वाले जो पढ़ाई करके बच्चे निकल रहे थे उनको क्या देगा? कुछ ऐसा ही तो ज्ञान देगा कि एंटरप्रेनर बनो, अपनी कंपनी खुद खड़ी कर लेना, ऐसा करना, ये करना, दुख को मत देखना, तुम आगे बढ़ते रहना, ऐसी कुछ मोटिवेशनल बात करेगा। पर वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है तुम यहां से पढ़ के निकल रहे हो, थोड़ी देर ध्यान दे दो बस, यहां से पढ़ के निकल रहे हो, अपने कर्म की तरफ ध्यान देना। वो जस्ट वॉच आउट फॉर योर कर्मा, व्हाट यू डू यू विल गेट इट बैक। अरे स्टीव जॉब्स कर्म की बात कर रहा है, ये कर्म शब्द कहां से आया है बताना जरा। पीछे साइंस वाले बैठे हैं, वो प्रभु जी ने बताया पीछे साइंस वाले आए हैं स्टूडेंट्स, फिजिक्स में था, मैथ्स में, बायो में, कोई अकाउंट्स वाला हो, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, हाँ कहीं आया, हाँ था, हिंदी की उस बुक में था जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते थे, संस्कृत के उस सब्जेक्ट में था जिसकी तरफ हम क्या हमारी टीचर भी ध्यान नहीं देती थी, कहती थी बस ये श्लोक रट लो, क्योंकि उसको खुद नहीं पता था वो भगवद गीता के श्लोक का मतलब क्या है। ये कर्म शब्द कहां आया? भगवान ने कर्मयोग पूरा उसमें बताया। तो ये स्टीव जॉब्स कैसे बोल रहा है? कह रहा है जब मेरा बिजनेस खत्म हो गया था, मुझे अपनी कंपनी से लात मार के निकाल दिया था, मैं रोड पे घूम रहा था ना, तब मुझे इन हरे कृष्णा मंदिर वालों ने मेरी मदद करी। मैं 7 मील पैदल चल के उस मंदिर में जाता था, फ्री का लंगर, मतलब वो अपने हिसाब से बोल रहा है। तो वहां उसको क्या मिल रहा है? फ्री का प्रसाद। प्रसाद तो फ्री में मिलता है? नहीं, ये वैष्णव बड़े तेज है, पता क्या करते हैं, मुंह से तो खिलाते हैं, कान से और देते हैं। कान से भी देंगे। मैंने देखा हमारे साथ क्या होता था, हम भी जाते थे प्रसाद पा रहे होते थे, साथ में कोई आके ब्रह्मचारी बैठ जाता, प्रभु जी भगवत गीता में ना भगवान ऐसे ऐसे कहते हैं, आप ये सुनो, हाँ हाँ ओके, हाँ प्रभु जी हाँ। मेरा बॉस खुद कह रहा था, एक मेरे कंपनी हनीवेल कंपनी में था, तो वो मेरा बॉस मुझे खुद कहता था, कहता हमारा मैस संडे को बंद होता था और संडे को हम पूना के इस्कॉन में होते थे, और कहते वहीं से ही भगवत गीता क्या है ये चीजें हमें जबरदस्ती सुनते सुनते कम से कम हमें कुछ सुनने को मिला। ऐसे ही वो स्टीव जॉब्स क्या सुन रहा है? भगवत गीता। उस भगवत गीता का जब उसको ज्ञान ले रहा है, अब वो सुन रहा है, उसको बातें अच्छी लग रही हैं, उसने अपनाई, लाइफ में लगाई, तो देखो वापस उसी कंपनी में आके मालिक बन गया। पर फिर भी क्या हुआ, शरीर छोड़ के गया नहीं गया। तो समझना ये जो भगवत गीता है, ये जो स्क्रिप्चर्स हैं, ये हमारा एसेंस है। हम इन चीजों को भूलते जा रहे हैं। क्यों ये प्रयास हो रहा है यहां पे, पता किस लिए? क्योंकि स्कूल में पढ़ाया जा रहा है? नहीं। स्कूल का मतलब, स्कूल को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे वो भूख लग रही होगी ना, आवाज नहीं निकल रही। विद्यालय मतलब क्या है? विद्या का कौन? विद्या बालन। विद्या कौन है? ये विद्या, विद्या बना है विद धातु से। विद धातु का मतलब होता है जानना। तो उसी विद धातु से कुछ और चीज बनी है। क्या बना है? वेद। विद से बना वेद। वेद मतलब जनाना, विद्या जानना, विद मतलब जानना। तो वो विद्या कि हम जानेंगे, किससे जानेंगे? वेद से, विद धातु से वो बना। तो जब अगर हमें जानना है, वास्तविक जो विद्या है वो किस में है? वेद में। ये विद्यालय में जो है, पहले गुरुकुल होते थे, उसमें ये वेद शास्त्र ये सब पढ़ाया जाता था। एक जो व्यक्ति गुरुकुल से पढ़ के निकलता था ना, वो इतना स्ट्रांग, जैसे प्रभु जी ने एक बात बोली ना कि कभी बच्चों सुसाइड मत करना। अरे एक बात खुद सोचो, 8वीं के बच्चे को क्या पता कि जीवन क्या होता है, वो सुसाइड क्यों कर रहा है? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि उसको ये वेद, ये विद्या, ये नहीं दी जा रही है। स्कूल में क्या दी जा रही है? अविद्या। अविद्या क्या होती है? शास्त्र में बताया, अविद्या का शब्द का मतलब बता रहे हैं क्या? अविद्या कहते हैं ये झूठे अहंकार में रहना। इस ये जो आत्मा है ना, हमने अभी पहले, खैर उस पर मैं फिसल ही गया, हम क्या है? हमारा हिंदू धर्म ले लो, ये सनातन धर्म ले लो, या क्रिश्चियन या मुस्लिम, ये सब एक चीज तो मानते हैं, सोल, रूह, आत्मा, इसको मानते हैं स्पिरिट। हम क्या है? हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा। ये भी कौन बता रहा है? वही मैनुअल में लिखा है, उस मैनुअल में, भगवद गीता में लिखा है कि हम क्या है? हम शरीर नहीं है, आत्मा है। इस चीज को समझो। तो यही जब आत्मा वाली जो बात, जो ये हम ज्ञान लेंगे,
इसी से ही हम क्या कर पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि मैं एक्चुअली किस प्रॉब्लम में हूं, किस चीज में हूं। और वही आत्मा असली में क्या है, जब उसको ये माया ये शरीर देती है ना, ये शरीर जो हमें मिला है उसमें हमारे कर्मों के हिसाब से जो ये हमें शरीर मिला है, ये शरीर वाला अहंकार आ गया। अभी आप खुद सोचो, आप मैं इस बच्चे से पूछूंगा तो ये क्या बच्ची बोलेगी कि मैं कौन हूं, अगर मैं इससे पूछूंगा आप कौन हो तो क्या नाम लेगी, जो इसका नाम रख दिया गया, तेरा धर्म क्या है, वही धर्म बोलेगी जो इसके मां बाप ने इसके ऊपर थोप दिया गया है, ठीक है ना। पूछेंगे क्या है भाई, तू स्त्री है पुरुष है, तो बोलेगी स्त्री है, क्यों, क्योंकि शरीर वो डाल दिया। तो ये जो झूठा अहंकार उस आत्मा पे चढ़ गया है ना, इसको बोलते हैं अविद्या, जिसके चक्कर में वो यहां पे ऊटपटांग कर्मों में लगा हुआ है, भगवान को भूल गया, भगवान की तरफ जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं है। और सोचो, जिस विद्यालय में हम जा रहे हैं वो इस अविद्या को बढ़ा रही है या घटा रही है, और बढ़ा रही है। अब तू क्या बन गया, अब तू टेंथ पास बन गया है, अब तू क्या बन गया, अब तू ट्वेल्थ वाला बन गया, अब तू इंजीनियर बन गया, अब तू डॉक्टर बन गया, क्या है, और अहंकार चढ़ाई जा रही है, और अहंकार चढ़ाई जा रही है। तो वो क्या है, विद्यालय है या अविद्यालय है, अविद्यालय। झूठा भगवान का नाम को जप करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब आप आज रुक जाओ, कल रुक कर फिर बैठोगे ना, टाइम हो गया, कल फिर कोशिश किया था हमारे, वो आए साथ में, वो लोग ऑफिस बोल के आज रात में इतना रुक गया, रुक कर फिर कल जाएंगे, आज चले जाए फिर कल चले आना, ठीक है, आज चले गए ना, फिर कल सवेरे जी, कल करेड़ा में ना गुरुदेव की तिथि मना रहे हैं, तो वो वहाँ पे पहले से सुबह से उन्होंने बोला, तो मैं इसलिए मुझे पता नहीं, मुझे तो ये पता ही नहीं था यहाँ सेमिनार है, होता तो मैं उसमें जितने बच्चे लोग सब दोस्तों को लेकर के आओगे, ठीक है ना, कितने महाराज जी बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलना भाई, अभी कल भी ऐसे 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक कल भी ऐसे चलना रहे, आज तो कुछ कुछ लोग हॉस्टलों का है लेकिन कुछ कुछ थोड़ा बाद में आए, कल संडे छुट्टी इसलिए हमने 2 दिन रखा है, कोशिश करना कि 11 बजे आओगे आ जाओ तो ज्यादा है ज्यादा ठाकुर जी की कथा सुन सकते, ठीक है, अभी ठाकुर जी को मंदिर को खोल दे, आप कह रहे ना आरती कर लो, आप सबसे सब खड़े हो जाओ, थोड़े समय ठाकुर का कीर्तन करके नाच कूद कर लेंगे, फिर सभी प्रसाद मांगने को सब मिल जाए, हमारे लिए काम किया अनिरुद्ध, अरे अनिरुद्ध हाँ बुला लो नीचे नीचे, और ये हमारे गजेंद्र नाम है, गौर सुंदर गौर सुंदर, हाँ कल भी सब के लिए प्रसाद मिल रहा है, भक्ति भक्ति एकादशी व्रत करते थे इसलिए संकल्प अच्छी तरह से कर सकते हैं, कथा में भाग नहीं पर्दा खोल दो बुझाएगा वो, प्रसाद को प्रसाद पड़ेगा, प्रणाम करे प्रणाम करे,
प्रणाम करते हैं 7000 मंदिर जय श्री राधा गोविंद जय श्री महाप्रभु की जय श्री जगन्नाथ की जय श्री राधा 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 की जय श्री यशोमती नंदना ब्रज नर गोकुल रंजना Yeah.
बना के सब नाचना, थोड़ा थोड़ा काकों के रिश्ते में नाचना चाहिए। पुरुष लोग सब इस तरफ आ जाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 Thank you.
हरे कृष्णा, कल टेस्ट नहीं है, कल काम करेंगे, कल जब आप आओगे तो पहले उसको भरवा लेंगे 5 मिनट में, उसमें कुछ नहीं, छोटे छोटे 5 क्वेश्चन है, ठीक है।